गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि 100% केसेस 143(1) में प्रोसेस होते हैं, उसके बाद 3% से 5% केसेस स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), उसके लिए केसेस आपके सिलेक्ट किए जाते हैं। 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए एओ को, असेसिंग ऑफिसर को, आपको नोटिस देना होता है अंडर सेक्शन 143(2). सो बिना इस नोटिस के, 143(2) नोटिस के बिना 143(3) पॉसिबल नहीं है। आप याद करिए, मैंने पहली क्लास में कहा था कि 143(3) असेसमेंट तभी हो सकती है अगर आपने रिटर्न फाइल किए। ये बातें आप यहां देखेंगे। आइएगा पेज 47 पर। पेज 47 सेक्शन 143(2) ये होता है नोटिस फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). देखिए, ये नोटिस कब दिया जा सकता है? वेयर अ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139। 139 मींस ऑल द सबसेक्शंस ऑफ 139, और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर 142(1). 142(1) मैंने आपको कराया था कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की ड्यू डेट तक, तो आपको एओ नोटिस भेजकर रिटर्न मंगा सकता है। वेयर अ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), ये नोटिस आपको तभी दे सकते हैं अगर आपने रिटर्न फाइल की है। अगर रिटर्न नहीं फाइल की, ये नोटिस इश्यू हो ही नहीं सकता। द एओ और द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब देखिए, मोदी जी ने क्या किया, सारी करप्शन होती थी एओ के लेवल पर, अब इन्होंने सारी असेसमेंट्स फेसलेस कर दी है। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बनाया गया है जो बेसिकली आपका एओ कहलाएगा। तो अब एओ के सारे फंक्शंस एक फेसलेस एओ करेगा, और वो फेसलेस एओ का नाम है, इट्स नॉट एओ, इट्स अ सेंटर, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। इन्होंने यहां पर इसलिए अमेंडमेंट कर दी थी कि एओ नोटिस इशू करेगा और द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो अब ये नोटिस एओ इशू नहीं करता, अब ये नोटिस प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करती है, विच इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। नेक्स्ट पेज पर नोट 3 देखिएगा, पेज 48, नोट नंबर 3। प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी मींस द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, देयरफॉर नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) शैल बी नाउ इश्यूड बाय नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको डिटेल में, अबाउट द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। वापस आइए पेज 47। Where a return has been furnished under section 139 or in response to a notice under section 142(1), the AO or the National Faceless Assessment Center, as the case may be, considers it necessary or expedient to ensure that a assessee has not understated the income or has not computed excessive loss or has not underpaid the tax in any manner, shall serve on the assessee a notice. Assessee पे notice serve करेंगे, require करेंगे उसे, requiring him
on a date to be specified therein, either to attend the office of AO or up to National Faceless Assessment Center में आपको बुलाया नहीं जाता। सारी प्रोसीडिंग्स ईमेल के थ्रू होती है, कराऊंगा अपने नेक्स्ट क्लास में। सो रिक्वायरिंग हिम ऑन अ डेट टू बी स्पेसिफाइड देयर इन आइदर टू अटेंड द ऑफिस ऑफ द एओ और टू प्रोड्यूस और कॉस्ट टू प्रोड्यूस बिफोर द एओ एनी एविडेंस ऑन विच द असेसी मे रिलाय इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न। सो प्रैक्टिकली अब क्या हो गया है, जहां भी एओ लिखा हुआ है उसकी जगह हम पढ़ेंगे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। इनफैक्ट एओ के सारे फंक्शंस दे दिए गए हैं नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को 143.3, 143.2 के लिए। और अब आपकी पर्सनल अटेंडेंस नहीं जाती वहां पर, आपको पर्सनली नहीं बुलाते वहां पर, वहां सारी फेसलेस थ्रू ईमेल कम्युनिकेशन चलती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ये नोटिस क्यों देते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं आपने इनकम अंडरस्टेट तो नहीं की, कहीं आपने लॉस एक्सेसिव तो नहीं दिखाया, आपने डिडक्शन सही क्लेम किया या नहीं, टैक्स अंडर पे तो नहीं किया। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। अब ये नोटिस इश्यू होता है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन। सो सीबीडीटी की गाइडलाइंस है कि ये वाले केसेस स्क्रूटनी में आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने चैप्टर 6 से डिडक्शंस 50 लाख से ऊपर क्लेम की हुई है, सेक्शन 10 की एग्जेम्प्ट इनकम 10 लाख से ऊपर क्लेम की हुई है, आपका रिफंड बहुत ज्यादा बन रहा है, सो ये केसेस स्क्रूटनी में सिलेक्ट किए जाते हैं बाय द सॉफ्टवेयर, कहीं भी मैनुअल सिलेक्शन नहीं है। अभी तक ये नोटिस आपको सर्व करते था एओ अप टू 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल। तो जब भी आपने रिटर्न फाइल की उसके एंड ऑफ द ईयर में आ जाइए, वहां से 6 months तक आपको ये नोटिस एओ को सर्व करना पड़ता था। फाइनेंस एक्ट 21 ने ये लिमिट घटाकर 3 months कर दी है, यानी अब ये नोटिस एओ को सर्व करना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 21 से, देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड, सर्व मतलब असेसी को मिल जाना चाहिए। और आज तो क्या है, नोटिसेस आपको ईमेल से भेजते हैं और आपका जो अकाउंट होता है ये इनकम टैक्स वेबसाइट पर, आपके नोटिसेस उस अकाउंट में पोस्ट हो जाते हैं और जिस दिन आपके अकाउंट में रिसीव हो गया, इट इज रिसीव बाय यू। सो अब ये नोटिसेस बाय पोस्ट नहीं भेजे जाते हैं बाय ईमेल ओनली, प्रोवाइडेड नो नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड, सर्व्ड यानी मिल जाना चाहिए आपको, ऑन द असेसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, पहले 6 months था, ये टाइम रिड्यूस करके कर दिया गया है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आ जाइए, वहां से 3 months तक ये नोटिस आपको सर्व कर सकते हैं, नहीं सर्व हुआ तो फिर केस स्क्रूटनी में नहीं लग सकता। अभी देखिए क्या हुआ, मैंने असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल की होगी, 30th अक्टूबर 2020 को फाइल कर दी। व्हाट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31st मार्च 21, 3 months फ्रॉम दैट इज 30th जून 2021। अभी जैसे ही 30 जून 21 निकला और मुझे नोटिस नहीं आया, मैंने कहा जी बच गया, अब मेरा केस स्क्रूटनी में नहीं आ सकता। सो पिछले साल के लिए आपको स्क्रूटनी नोटिस मिल जाना चाहिए बाय 30th जून 21, इसके बाद ये नोटिस सर्व नहीं हो सकता, अगर सर्व हो जाता है दैट्स इलीगल, इनवैलिड। इलस्ट्रेशन 1 देखिए,
फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। इनफैक्ट हम असेसमेंट ईयर 22-23 लेते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी ये आना है। ऑल दो मैंने हर जगह असेसमेंट ईयर 22-23 लिया है, बट मैंने क्या किया एडवांस टैक्स में और पेनल्टीज में, ताकि आपको रियलिस्टिक लगे, तो मैंने क्या किया प्रीवियस या 21 लिया हुआ है, ताकि बड़ा रियलिस्टिक लगता है कि हाँ अब ये भी हो रहा है। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 द रिटर्न वॉज फाइल्ड ऑन 31-10-22 या 31-12-22। दोनों केस में नोटिस कैन बी सर्व्ड अप टू 30 जून 2023। क्वेश्चन टू, सपोज इन इलस्ट्रेशन वन अबव नोटिस अंडर 143(2) इज इश्यूड ऑन 30 जून 23 एंड इज रिसीव बाय द असेसी ऑन 3/7/23। प्रैक्टिकली आज ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज ये नोटिस ईमेल से भेजते हैं, और ईमेल से जिस दिन आपके अकाउंट में डिलीवर हो गया दैट इज रिसीव बाय यू। तो ये तब है जब नोटिस बाय पोस्ट भेजा जाता था, अब नहीं भेजते हैं, बट थियोरेटिकली दिस नोटिस इज टाइम बार्ड बिकॉज इट इज सर्व्ड ऑन द असेसी आफ्टर 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। थ्री देखिएगा, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31/7/22। रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 31/7/31/7/22 डिक्लेयरिंग एन इनकम ऑफ 60 lakh। रिवाइज इज फाइल्ड ऑन 31/12/22 डिक्लेयरिंग इनकम ऑफ 6 lakhs। अगेन द सेम थिंग, नोटिस कैन बी सर्व्ड अप टू 30 जून 23। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इलस्ट्रेशन 4 द रिटर्न वॉज फाइल्ड ऑन 31/10/22 नोटिस अंडर 143(2) वॉज सर्व्ड ऑन 30 जून 23 फॉर पर्सनल अपियरेंस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने कहा पर्सनल अपीयरेंस तो होती नहीं है, अब तो सिर्फ आपसे इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अनदर नोटिस अंडर 143(2) इज सर्व्ड ऑन 30 सितंबर 23 आस्किंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन परचेज लेजर सीरियस लेजर। अब बताइए सेकंड नोटिस वैलिड है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये नोटिस मुझे सर्व हुआ है 3 महीने के बाद इसलिए इनवैलिड है। नो, अगर पहला नोटिस आपको टाइम पे सर्व हो गया है तो बाद में अगर कोई नोटिस आ रहा है 143(2) में कुछ और इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, वो माना जाएगा इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट नोटिस एंड देयरफॉर दैट इज वैलिड। सेकेंड नोटिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट नोटिस एंड देयरफॉर इट इज वैलिड। इफ फर्स्ट नोटिस इज सर्व्ड इन टाइम then subsequent notices को मानेंगे they are continuation of the first notice and are therefore valid। Note 1 में हम कह रहे hearing electronic mode के through होती है आज। Okay, section 282A, एक मिनट, एक नए chapter में जाते हैं। पेज 330 पर आइएगा, 330। आज नोटिस आपको आता है, नोटिस अनसाइंड है, नोटिस पे सिग्नेचर नहीं हुए, क्या वो वैलिड माना जाएगा? यस, क्योंकि अब ये सारी कम्युनिकेशंस आपको इलेक्ट्रॉनिकली आती हैं, इसलिए उन्होंने एक्ट में एक सेक्शन डाला। पेज 333 पर देखिएगा, पेज 333 आज जो आपको ऑर्डर्स भी आते हैं उस पर एओ के साइन नहीं होते, सेक्शन 282A ये परमिट करता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स,
तो ये पूरे एक्ट के लिए इन्होंने एक सेक्शन बना दिया कि जहां कहीं भी नोटिसेस देने हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं एओ को, लाइक असेसमेंट ऑर्डर वगैरह, वहां सिर्फ एओ का डेजिग्नेशन लिख देते हैं कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली, तो यह माना जाएगा कि एओ ने उसे साइन कर दिया है. वेयर दिस ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वेयर दिस एक्ट रिक्वायर्स अ नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट टू बी इश्यूड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, सच नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड एंड इश्यूड इन पेपर फॉर्म और कम्युनिकेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय दैट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर. तो वी कैन एंड नोटिस, हम आपको पेपर फॉर्म भी दे सकते हैं, ये तो पहले होता था, और अब इन्होंने अमेंडमेंट ले ली, अमेंडमेंट कर दी कि हम इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी ईमेल से आपको नोटिस आएगा, वो साइन नहीं भी है तो ये डीम किया जाएगा वो साइंड है. सिर्फ क्या करना है, ऑफिसर का नाम लिखा होना चाहिए ऑन दैट नोटिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली. एवरी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट टू बी इश्यूड सर्व्ड और गिवन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी ऑथेंटिकेट. वो डीम कर लिया जाएगा ऑथेंटिकेट हो गया है इफ द नेम ऑफिस ऑफ द डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी इज प्रिंटेड स्टैम्प्ड और अदरवाइज रिटन ऑन दैट. यानी सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखा हुआ है तो ये डीम किया जाएगा कि उसने साइन कर दिया है. ये बेसिकली अमेंडमेंट इसलिए की गई ताकि फेसलेस प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर चलाई जा सके. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल मीन एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू इश्यू सर्व और गिव सच नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट आफ्टर ऑथेंटिकेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन टू, और इसमें लिख लीजिए नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर भी आ गया. तो अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से जो आपको 143(2) नोटिस आएगा उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे, सिर्फ लिखा होगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी. अगर वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको नोटिसेस डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो साइन नहीं होंगे, सिर्फ लिखा होगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और ये माना जाएगा इट इज डीम्ड टू बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी. सो डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी में आज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर भी आ गया है. ये की नोट में भी कराऊंगा आपको, की नोट अभी कराऊंगा. अच्छा, कुछ हम जनरल सेक्शंस पहले कर रहे हैं. आपको नोटिस आया, आपको नोटिस आया, विनोद गुप्ता को नोटिस आया, बट वहां टाइपिंग एरर हो गई, VIONDGUTPA असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 21, ये सही लिखा गया बट असेसमेंट ईयर लिख दिया गया 21-21, यानी टाइपोग्राफिकल एरर्स हो गई. अगर डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस भेजा, कोई ऑर्डर भेजा, उसमें कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गई, तो क्या वो नोटिस, वो डॉक्यूमेंट, वो ऑर्डर इनवैलिड हो जाएगा? नो. सेविंग देता है सेक्शन 292B, पेज 334. क्या आपकी रिटर्न ऑफ इनकम
नोटिसेस, ऑर्डर्स, डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे जस्ट बिकॉज उसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स है, क्लेरिकल एरर्स है. रिटर्न ऑफ इनकम एटसेट्रा सेक्शन 292B नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टन ग्राउंड्स. नो रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट, नोटिस, समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स फर्निश्ड और मेड और इशूड or taken or purported to have been furnished or made or issued or taken in persons of any provision of this act shall be invalid. Yani hum invalid declare nahi karenge or shall be invalid or shall be deemed to be invalid merely by the reason of any mistake, defect, omission in such return of income, assessment, notice, summon, other proceeding if such return of income, assessment, notice, summon other proceeding is in substance and in effect in conformity with and in accordance with the intent and purpose of the act. Yani substance over form ka principle lagega. Agar typographical errors ho gayi hain, aapka naam hai Skylight India Private Limited, wahan sirf likh diya gaya Skylight India Private Limited nahi likha gaya, it's a typographical error. तो जस्ट बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा गया, दिस नोटिस और ऑर्डर विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड. ओनली थिंग इज इन सब्सटेंस द नोटिस, द ऑर्डर, द डॉक्यूमेंट शुड बी इन कंफर्मिटी विद द इंटेंट ऑफ द एक्ट. सो सिंपली व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो क्लेरिकल एरर्स हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, उसके वजह से आप ये नहीं कह सकते नोटिस इनवैलिड है, ऑर्डर इनवैलिड है. तो ये उन टाइपोग्राफिकल एरर्स को सेविंग दे रहा है. अब आप इधर देखिए, मैंने रिटर्न फाइल की, असेसमेंट ईयर 2021 की, मैंने रिटर्न फाइल की 31/10/20, मुझे 143 टू सर्व हुआ 15 जुलाई 21. इनवैलिड है बिकॉज इट इज सर्व्ड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बट मैं क्या करता हूं, ये प्रोसीडिंग्स अटेंड कर लेता हूं, मैं ये प्रोसीडिंग्स अटेंड कर लेता हूं. तो बताइए क्या होगा? लॉ कहता है अगर नोटिस इनवैलिड है, प्रोसीडिंग अटेंड मत करिएगा. अगर प्रोसीडिंग आपने अटेंड कर ली, प्रोसीडिंग्स में आपने कॉपरेट कर दिया, नोटिस को हम वैलिड डिक्लेयर कर देंगे और फिर किसी भी जगह, किसी भी कोर्ट में, किसी भी अपील में आप ये प्ली नहीं ले सकते कि नोटिस इनवैलिड था बिकॉज टाइम पर इशू नहीं हुआ, टाइम पे सर्व नहीं हुआ, या उसमें ये डिफेक्ट था, ये कुछ नहीं कह सकते. अगर नोटिस इनवैलिड है तो लिखिए एओ को, लिखिए नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को कि नोटिस इनवैलिड है, इसलिए हम अटेंड नहीं कर रहे. बट एक बार आपने प्रोसीडिंग अटेंड कर ली, कोऑपरेट कर दिया प्रोसीडिंग्स में, नोटिस वैलिडेट हो जाएगा. फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो नोटिस इनवैलिड है, कि टाइम पे सर्व नहीं हुआ, टाइम पे इशू नहीं हुआ, फिर ये ग्राउंड आप कहीं नहीं ले सकते, अपील्स वगैरह में कहीं ग्राउंड नहीं ले पाएंगे. तो दोस्तों, अगर नोटिस इनवैलिड है या तो रिस्पॉन्ड ही मत करिए, और अगर रिस्पॉन्ड करें तो लिख दीजिए कि हम इस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज इनवैलिड. सेक्शन पेज 334, सेक्शन 292BB मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए. 334, नोटिस डीम्ड टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर एन असेसी हैज अपीयर्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, वेयर
एन असेसी हैज अपियर्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स या फिर कोऑपरेटेड इन एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू असेसमेंट रीअसेसमेंट इट शैल बी डीम्ड दैट एनी नोटिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच वॉज रिक्वायर्ड बी सर्व्ड अपॉन हिम हैज बीन ड्यूली सर्व्ड अपॉन हिम In accordance with the provision of this act, and such assessee shall be precluded means stopped, from taking any objection in any proceeding inquiry under this act that notice was not served in time, was not served upon him, or was not served upon him in time, or was served upon him in improper manner. So, agar notice time barred hai, invalid hai. प्रोसीडिंग अटेंड मत करिए बट अगर आपने प्रोसीडिंग अटेंड कर ली तो लॉ कहता है कि हम नोटिस को वैलिडेट कर देंगे और फिर आप किसी भी अपील में यह ग्राउंड नहीं ले सकते कि नोटिस इनवैलिड था क्योंकि आपको सही तरह सर्व नहीं हुआ था टाइम पे सर्व नहीं हुआ था या फिर इन अकॉर्डेंस विद एक्ट नहीं था तो आप देखिए Where an assessee has appeared in any proceeding or cooperated in any inquiry relating to an assessment reassessment, it shall be deemed that any notice under any provision of this act which is required to be served upon him has been, ye mana jayega ki notice has been duly served upon him in accordance with the provision of this act. And such assessee shall be precluded. Precluded means stopped from taking any objection. फिर आप कहीं भी किसी भी प्रोसीडिंग में किसी भी अपील में ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि नोटिस सर्व नहीं हुआ था या टाइम पे सर्व नहीं हुआ था या इम्प्रॉपर मैनर में सर्व हुआ था. हाँ, लॉ फिर कहता है कि अगर आप असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले सपोज आपने प्रोसीडिंग में कॉपरेट कर लिया प्रोसीडिंग में चले गया बट असेसमेंट ऑर्डर पास होने से पहले आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया नोटिस इनवैलिड था सो यू कैनॉट पास द ऑर्डर. तो लॉ कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेदर असेसी हैज रेज सच ऑब्जेक्शन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सच असेसमेंट. यानी असेसमेंट ऑर्डर पास होने से पहले आपने नोटिस आया नोटिस इनवैलिड था आपने एक दो बार अटेंड कर ली प्रोसीडिंग्स तो ऊपर लिखा था कि नोटिस वैलिडेट हो जाएगा फिर लॉ कहता है वैलिडेट नहीं करेंगे हम. अगर आप असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले ही ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं क्या कि नोटिस इनवैलिड था फिर नोटिस इनवैलिड माना जाएगा एंड एओ विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट. क्लियर है ये बातें. वापस आ जाइए हम 143 टू नोटिस की बात कर रहे थे पेज 49 पर आइएगा 143(3) जिसे हम कहते हैं रेगुलर असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट. ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 2 और एज सून एज आफ्टर एज मे बी. देखिए प्रैक्टिकली अगर केस स्क्रूटनी में आ जाता है तो एक हियरिंग में आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं होती. आपकी हियरिंग चलती है 5-6 चाहे इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग्स हो बाय ईमेल हियरिंग होती हैं अब फेसलेस वो भी एक हियरिंग नहीं होती 5-6 हियरिंग होती हैं मोर देन दैट आल्सो. ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 2 और एज सून एज आफ्टरवर्ड्स एज मे बी आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज द असेसी मे प्रोड्यूस and other evidence as the AO may require on specified points. अब AO की जगह कौन require करता है? National
faceless assessment center. And after taking into account all the relevant material which he has gathered, the AO shall, by an order in writing, make an assessment of the total income or loss of the assessee and determine the sum payable by him or refund of any amount due to him on the basis of such assessment. So, aaj National Faceless Assessment Center aa gaya AO ki jagah, aapki hearing hoti hai aur aapko sunne ke baad aapki total income, total loss nikala jata hai aur agar koi tax payable hai aapse ऑर्डर पास किया जाता है तो टैक्स पेबल है और अगर कोई रिफंड बन रहा है रिफंड आपको ग्रांट कर दिया जाए. ओके, पेज 50 पर आइएगा, एनालिसिस देखिएगा. पेज 50 एनालिसिस ऑफ सेक्शन 143 टू एंड 143, जहां आपने पॉइंट वन, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो नोटिस अंडर 143 टू आपको इश्यू नहीं किया जा सकता. और अगर फिर भी एओ ने असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, दिस इज बिकॉज 143 टू कैन बी इशूड ओनली व्हेन असेसी हैज फाइल्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर 142(1). अगर असेसमेंट कर दी एओ ने और आपको 143 टू सर्व नहीं किया, हम ये मान रहे हैं कि आपने प्रोसीडिंग अटेंड नहीं की, आपने प्रोसीडिंग अटेंड नहीं की और एओ ने बिना 143 टू इशू की आपके ऊपर असेसमेंट कर दी, देन सच असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. तो देखिए, मैंने रिटर्न नहीं फाइल, ठीक है, मैंने रिटर्न नहीं फाइल की, ये क्या कहते हैं, सॉरी, वेयर असेसमेंट अंडर 143(3) इज मेड विदाउट सर्विंग अ नोटिस अंडर 143(2), देन असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. मैंने रिटर्न फाइल की है बट मुझे 143(2) नहीं आया और ईओ ने मेरी 143(3) में 10 लाख की इनकम निकाल दी, ये असेसमेंट इनवैलिड है. क्या करूं, इस असेसमेंट ऑर्डर को फाड़ दूं? देखिए, आपके फाड़ने से असेसमेंट इनवैलिड के लिए थोड़ी हो जाएगी. तो अगर असेसमेंट वॉइड है तो हायर अथॉरिटी से वॉइड डिक्लेयर कराइए. क्या करिए आप, अपील कर दीजिए सीआईटी पील्स को. सीआईटी पील्स कहेगा कि सिंस नोटिस नहीं दिया गया था, सर्व नहीं हुआ था, देयरफॉर असेसमेंट इज वॉइड, वो डिक्लेयर करेगा वॉइड. या फिर आप कमिश्नर के पास चले जाइए 264 में, वहां पर कमिश्नर 264 में ऑर्डर पास करके असेसमेंट वॉइड डिक्लेयर कर देगा. तो वेयर असेसमेंट अंडर 143(3) इज मेड विदाउट सर्विंग अ नोटिस अंडर 143(2), देन असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. और वॉइड डिक्लेयर करवाएंगे आप फ्रॉम द सीआईटी अपील्स, अपील करेंगे या फिर कमिश्नर के पास जाएंगे 264 में, जो इसे वॉइड डिक्लेयर करेगा. अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की और ईओ 143(3) कर देता है, तो देखिए 143(2) तो दे ही नहीं सकता था आपको, उसने फिर भी दे दिया मान लीजिए, ये सब इनवैलिड है. तो इनवैलिड आपके कहने से नहीं होगा, आप क्या करेंगे, अपील करिए सीआईटी पील्स में. सीआईटी पील्स विल डिक्लेयर द असेसमेंट टू बी वॉइड एब इनिशियो. या फिर कमिश्नर के पास चले जाइए, कमिश्नर 264 में असेसमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे. 3, इफ असेसमेंट अंडर 143(3) इज मेड इन पर्सन ऑफ नोटिस अंडर 143(2), जो सर्व हुआ था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, देन ऑल्सो द असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. बट माइंड इट, अभी मैंने एक सेक्शन 292(2)(b) कराया था कि अगर आपने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अटेंड कर ली
प्रोसीडिंग अटेंड कर ली, नोटिस 3 महीने बाद इशू हुआ था बट प्रोसीडिंग आपने अटेंड कर ली और असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, देन असेसमेंट इज वैलिड, देन नोटिस इज ऑल्सो वैलिड. सो 3-5% केसेस स्क्रूटनी में ले जाते हैं, 5 मैंने जनरल लिखा है कि हम पढ़ेंगे 3-4 क्लासेस बाद 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जहां एओ 147 में केस खोल सकता है बाय इशूइंग अ नोटिस अंडर 148, बट वहां पर उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने इनकम छिपाई हुई है. 143(3) करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए. 143(3) करने के लिए मतलब 143(2) का नोटिस देने के लिए एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन होनी मस्ट नहीं है कि आपने इनकम छिपाई है. वो तो कास की गाइडलाइंस के हिसाब से आपका केस स्क्रूटनी में लिया जाता है. फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर 143, द एओ इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज स्किप्ड असेसमेंट. वो नोटिस इशू कर सकता है ये इंशो करने के लिए कि आपने इनकम अंडरस्टेट नहीं किया है, लॉसेस ओवरस्टेट नहीं किए हैं, किसी भी तरह से टैक्स अंडरपे नहीं किया है. 143(3) में रिफंड दे सकते हैं आप. सो 143(3) में इनकम कैन बी असेस्ड बिलो रिटर्न इनकम. 143(3) में इनकम कैन बी असेस्ड बिलो रिटर्न इनकम. 144 में ऐसा नहीं कर सकते, 147 में ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 143(3) में द इनकम कैन बी असेस्ड बिलो रिटर्न इनकम. बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने 15 लाख इनकम दिखाई, एओ उसे 10 लाख कर दे. याद करिए, डेप्रिसिएशन आपने नहीं क्लेम किया तो एओ आपको फोर्सफुली अलाउ कर सकता है, ये वो केस हो जाएगा. 0.5 देखिएगा, सीबीडीटी हैज क्लेरिफाइड दैट सिंस अंडर 143(3) रिफंड कैन बी ग्रांटेड टू द असेसी, द एओ कैन रिड्यूस द इनकम बिलो द रिटर्न इनकम एंड कैन असेस द लॉस हायर देन द रिटर्न लॉस अंडर 143(3). से आगे लिखिए, अंडर सेक्शन 144 एंड अंडर सेक्शन 147 इनकम कैन नॉट बी असेस्ड बिलो रिटर्न इनकम एंड लॉसेस कैन नॉट बी असेस्ड हायर देन रिटर्न लॉसेस. पर 143 में पावर है, बट 143(3) में पावर है. क्लियर है? एक केस करने जा रहे हैं हम, गोडसे इंडिया लिमिटेड. इंपॉर्टेंट नोट करिए, गोडसे इंडिया लिमिटेड, जहां असेसी ने रिटर्न फाइल की, रिटर्न में एक डिडक्शन क्लेम करना भूल गया, रिटर्न में एक डिडक्शन क्लेम करना भूल गया, रिवाइज रिटर्न भरने का भी टाइम निकल गया. असेसी ने रिटर्न फाइल की, रिटर्न में डिडक्शन क्लेम करना भूल गया, रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल गया,
अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम होता तो रिवाइज करके डिडक्शन क्लेम कर सकता था, नो डाउट अबाउट इट। बट रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल गया, अब केस उसका स्क्रूटनी में एओ के पास लगा हुआ है, असेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई। असेसी एक लेटर देता है एओ को, असेसी एक लेटर देता है एओ को कि सर ये डिडक्शन मुझसे क्लेम होने रह गई, इसे मुझे अलाउ कर दीजिए। एओ कहता है मेरे पास ये पावर नहीं है, आप रिटर्न अगर रिटर्न इनकम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ओनली थ्रू रिवाइज रिटर्न। एओ कहता है आप लेटर लिखकर अपनी रिटर्न इनकम चेंज नहीं कर सकते, और एओ कहता है मेरे पास पावर नहीं है ये डिडक्शन आपको अलाउ करने की जो आपने रिटर्न में क्लेम नहीं की है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, प्लीज सी यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या एओ लेटर लिखकर, अगर असेसर ने लेटर लिखकर डिडक्शन क्लेम की है, क्या एओ उस डिडक्शन को अलाउ कर सकता है, क्या उसकी पावर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस बात का आंसर दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मालूम है, हमने एक जजमेंट दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मालूम है, हमने एक जजमेंट दी हुई है इन द केस ऑफ नेशनल थर्मल पावर कंपनी की आईटीएटी इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल, अगर डिडक्शन आपने कहीं क्लेम नहीं की वहां क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस में हम डील कर रहे थे विद पावर्स ऑफ आईटीएटी, हम यहां डील करें ओनली विद पावर्स ऑफ एओ। अभी बता दो एक मिनट प्लीज, गोडसे इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 द असेसी फाइल इट्स रिटर्न ऑन 31 October 2021 एंड ऑन 31 रिटर्न फाइल करते हैं अक्टूबर 21 को, रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम क्या है 31 दिसंबर 21 वो निकल गया, 12 September 22 ही सॉट टू क्लेम अ डिडक्शन बाय वे ऑफ अ लेटर एड्रेस टू द ईओ, असेसमेंट पेंडिंग है, अभी असेसमेंट पेंडिंग है ईओ के पास, और जब पेंडिंग है तो ईओ को लेटर लिख के डिडक्शन क्लेम कर रहा है इसलिए कि रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका है। द ईओ डिसअलाउड इट ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट अलाउइंग एन अमेंडमेंट इन द रिटर्न विदाउट द रिवाइज रिटर्न, और हाई कोर्ट सभी ट्रिब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने कहा बिल्कुल ठीक किया ईओ ने। तो देखिए जो गोडसे वाला केस था, एओ ने मान लीजिए डिडक्शन ए थी वो असेसी क्लेम करना भूल गया था, ठीक है एक मिनट चलिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट अ क्लेम कैन बी मेड बिफोर द एओ इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ओनली थ्रू अ रिवाइज रिटर्न एंड नॉट थ्रू अ लेटर, देयरफॉर अ डिडक्शन नॉट देयरफॉर इफ अ डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम इन द रिटर्न एंड द असेसी वांट्स टू क्लेम द सेड डिडक्शन इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स देन ही कैन डू सो ओनली बाय फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, द ईओ कैन नॉट एंटरटेन सच क्लेम मेड बाय द असेसी थ्रू अ लेटर। तो यहां सिर्फ ईओ की पावर डिस्कस कर रहे, आगे थी कंफ्यूज मत होइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन दिस केस दे वर डीलिंग विद द पावर ऑफ ईओ एंड नॉट विद द पावर ऑफ आईटीएटी विच हैज द पावर टू एंटरटेन अ न्यू ग्राउंड ऑफ अपील नॉट रेज बिफोर इट नॉट रेज अर्लियर एज सुप्रीम कोर्ट इन एनटीपीसी। देखिए क्या था, गोडसे में डिडक्शन ए नहीं क्लेम किया असेसी, ए होने का मैं अलाउ नहीं करूंगा, इस बात पर केस ऊपर तक गया,
और सबने कहा कि यस, एओ की पावर नहीं है टू अलाउ दिस डिडक्शन, बट ये डिडक्शन आईटीएटी ने अलाउ कर दी थी, ये डिडक्शन आईटीटी ने अलाउ कर दी थी, बिकॉज आईटीटी के पास पावर होती है कि डिडक्शन जो नीचे कहीं नहीं क्लेम की, फर्स्ट टाइम आप आईटीटी में क्लेम कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी एनटीपीसी। अब ये गोडसे वाला केस सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए गया था, ये पता करने के लिए कि एओ के पास पावर है या नहीं अलाउ करने। आप कहेंगे जब ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया, व्हाई इट हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट? सो गोडसे असेसी सुप्रीम कोर्ट तक गया था यह पता करने के लिए कि एओ के पास पावर है या नहीं टू अलाउ दिस डिडक्शन। ऑल्दो गोडसे को, असेसी को ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया था, इन द सेंस ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है टू अलाउ डिडक्शन विच वॉज नॉट क्लेम्ड एट एनी अर्लियर स्टेज और इन द रिटर्न। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां डील कर रहे हैं ओनली विद द पावर ऑफ एओ, कि एओ के पास पावर नहीं है डिडक्शन अलाउ करने की। लास्ट में देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दे वर डीलिंग ओनली विद द पावर ऑफ एओ एंड नॉट विद द पावर ऑफ आईटीएटी। जिसके पास पावर होती है टू अलाउ अ डिडक्शन, जो आपने नीचे कहीं नहीं क्लेम की, जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस में अफर्म किया था, द केस ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। क्लियर है? एक केस देखिए, मैंने आपकी जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज बुक है उससे लिया हुआ है, मारुति सुजुकी। असेसी कंपनी एस फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 28 नवंबर 2019 व्हेन नो अमलगमेशन हैज टेकन प्लेस। सो एस कंपनी अमलगमेट हुई विद एम एस मारुति। तो एक एस कंपनी थी दैट गॉट अमलगमेट विद मारुति और 28 नवंबर 2019 को इसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी। उस दिन अमलगमेशन नहीं हुआ था, उस दिन अमलगमेशन नहीं हुआ था। जनवरी 29, 2020 को हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया अमलगमेशन ऑफ एस विद एम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। सो हाई कोर्ट ने अपना अमलगमेशन अप्रूव किया 29 जनवरी 2020 को, और ये अमलगमेशन स्कीम इफेक्टिव थी 1/4/19। अब फैक्ट्स देखिए, इसके फैक्ट्स ऑन 2 अप्रैल 2020 अमलगमेटेड कंपनी मतलब मारुति ने इंटीमेट किया एओ को ऑफ द अमलगमेशन। सो मारुति ने एओ को इंटीमेट किया था कि हमारा अमलगमेशन हो गया है। उसके बावजूद देखिए एओ क्या कर रहा है, नोटिस अंडर 143(2) वॉज इश्यू टू एस ऑन 26 जून 2020 फॉलोड बाय अ नोटिस अंडर 142(1). द अमलगमेटेड कंपनी एम participated in the assessment proceedings, assessment order was passed in name of S. Facts देखिए क्या है, ये amalgamating company है, ये amalgamated company है, ये मारुति है, basically मारुति, ये इसमें amalgamate हो गई थी। सिंस रिटर्न फाइलिंग वाले दिन अमलगमेशन अप्रूव नहीं हुआ था, एस ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी। हाई कोर्ट ने अमलगमेशन अप्रूव किया 29/1/20 को विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19। तो अब ये कंपनी खत्म हो गई, ये कंपनी इसमें मर्ज कर गई, ये खत्म हो गई,
और मारुति ने एओ को इंटीमेट कर दिया था कि हमारा अमलगमेशन हो गया है, हाईकोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, उसके बावजूद क्या कर रहा है एओ? 26 जून को नोटिस दे रहा है इस कंपनी को, और जो मारुति है वो पार्टिसिपेट कर जाती है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, और एओ ऑर्डर पास करता है अगेंस्ट एस। अब देखिए जो मैंने ये चैप्टर कराया था कि आपको इसमें दो सेक्शन की हमने 292 बी कि अगर क्लेरिकल एरर्स है तो नोटिस ऑर्डर इनवैलिड नहीं होंगे, 292 डबल बी अगर नोटिस इनवैलिड है, आप प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर गए तो नोटिस इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा, वैलिडेट हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या ये दो सेक्शन इस असेसमेंट को सेव कर लेंगे? रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 292B अलाउज फॉर क्यूरिंग ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ टेक्निकल नेचर। अभी हमने किया था, द रैशनल बिहाइंड दिस सेक्शन इज दैट द रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट नोटिस समन्स अदर प्रोसीडिंग्स should not be held to be invalid due to technical mistakes which otherwise do not have much impact touching its legality provided such return assessment notice summons or other proceedings are otherwise in conformity with the purpose of this act issue. Whether issue of notice by the AO in the name of amalgamating company S in this case after such company has amalgamated with another company, that is Maruti M in this case, and after that he was informed of such amalgamation, is it a clerical error curable under 292B? Would participation of amalgamated company M in the assessment proceedings operate as ostepel in law? Means कि क्या 292 डबल बी लगा देंगे हम पार्टिसिपेट करने पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो क्लेरिकल एरर है ही नहीं, आपने नोटिस किसको दिया है? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, अमलगमेटिंग कंपनी तो खत्म हो चुकी है, जो असेसी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको आप नोटिस दे रहे हैं, दैट इज टोटली नल एंड वॉइड, वो तो नोटिस है ही नहीं एक तरह से। सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन अंडर 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज दैट अमलगमेटिंग कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट कुड नॉट देयर आफ्टर बी रिगार्डेड एज अ पर्सन अंडर 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अगेंस्ट विच असेसमेंट प्रोसीडिंग कुड बी इनिशिएटेड और एन असेसमेंट ऑर्डर को रिमेड। वो तो खत्म ही हो गई कंपनी, जैसे हाईकोर्ट ने अमलगमेशन अप्रूव कर दिया कंपनी खत्म हो गई। एस नोटिस अंडर 1432 वाज इशू ऑन 26 जून 22 एस द अमलगमेटिंग कंपनी प्रायर टू द डेट ऑन विच जुडिशियल नोटिस अंडर 1432 वाज इशूड द स्कीम of amalgamation has been approved by the High Court under the Companies Act and the same was also informed to the AO. See what Supreme Court says. Supreme Court in the present case held despite the fact that AO was informed of the amalgamating company having ceased to exist as a result of approved scheme of amalgamation, the jurisdictional notice was issued in the name of Ms. S, the amalgamating company. The basis on which jurisdiction was invoked was fundamentally at odds, odds matlab galat hai, with the legal principle that amalgamating entity ceases to exist upon the approved scheme of amalgamation. Supreme Court ne kaha to company khatam ho chuki hai, कोई चीज है ही नहीं, उस पर आप नोटिस दे रहे हैं वो कोई क्लेरिकल एरर थोड़ी है,
वो तो नोटिस ही नल एंड वॉइड है. द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली हेल्ड दैट द इनिशिएशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑन अ नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी एस इन दिस केस वॉज वॉइड एब इनिशियो एंड द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स बाय द अपेलेंट अमलगमेटेड कंपनी इन द सर्कमस्टेंसेज कैन नॉट ऑपरेट एज एन ऑस्टॉटल अगेंस्ट लॉ एज पर सुप्रीम कोर्ट 292 BB कैन नॉट बी टेकन एज डिफेंस बाय द रेवेन्यू सिंस द नोटिस अंडर 143(2) वॉज इश्यू टू अ नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी. तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो उसको आपने दिया वो है ही नहीं, तो सब कुछ ही गलत है. नोटिस वॉज इनवैलिड और जो असेसमेंट हुई दैट इज ऑल्सो इनवैलिड. जो 143(3) की असेसमेंट होती है उसे कंप्लीट करना होता है एओ को. पहले लॉ था विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट. फाइनेंस एक्ट 21 से लॉ 9 months हो गया है, यानी प्रीवियस ईयर 31st March 2021, असेसमेंट ईयर 2021-22. इसकी ड्यू डेट क्या होती है? लेट्स से 31-10-21. आप लेट रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? 31st December 2021 एज ऑफ फाइनेंस एक्ट 21. आपको 143(2) कब तक आ सकता है, सर्व हो सकता है? 30 June 2022 तक. और 143(3) असेसमेंट कब तक कंप्लीट करनी होगी एओ को? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. My assessment here ends on 31st March 2022. वहां से 9 महीने 31st December 2022. So, Finance Act 21 ने जगह जगह amendments की हैं. एक तो late return file करने का time reduce करके कर दिया गया 3 months before the end of the relevant assessment year. जो 143(2) notice है वो आपको इश्यू सर्व कर सकते हैं अप टू 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टर ने फाइल. और 143(3) की असेसमेंट का टाइम कर दिया गया 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. देखिएगा प्रीवियस 21 असेसमेंट 21-22. इसकी ड्यू डेट लेट्स इज 31 October 2021. लेट रिटर्न मैक्सिमम फाइल कर सकते हैं 31st December 2021 तक. 143(2) सर्व हो सकता है. सपोज आपने यहां फाइल कर दी 30th June 2022 तक. और 143(3) असेसमेंट हो सकती है आपकी 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. दैट मींस 31st March 2022 वहां से 9 महीने 31st December 2022. देखिएगा 153(1) टाइम लिमिट टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3). नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर 143(3), 144 शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक सेपरेट चैप्टर. अभी सिर्फ इतना ही कर रहे हैं हम कि असेसमेंट का टाइम है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट. कंप्लीट करने का टाइम है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट. मैंने आपको एक केस बताया था एस्कॉट्स हॉस्पिटल का. इनकी इनकम थी 20 crores और ये एग्जेम्पशन क्लेम करते थे 1023(c) में. इनकम थी निल.
1023 सी की एग्जेम्पशन गवर्नमेंट देती है. सो 1023 सी एग्जेम्पशन के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये इंस्टीट्यूट, ये हॉस्पिटल हम नोटिफाई कर रहे हैं दैट इट कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर 1023 सी. सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन में बताती है कि हमने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल की इनकम एग्जेम कर दी है सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस. वहां कंडीशंस होती है. अब वहां एक कंडीशन होती है कि आप हॉस्पिटल का पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, बट इस हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था और ये रिटर्न नहीं फाइल कर रहा था. क्यों नहीं फाइल कर रहा था? उस समय 139(4)C नहीं हुआ करता था. जब गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने 142(11) नोटिस भेजकर इसकी रिटर्न मंगाई और एओ ने 1023(c) एग्जेम्पशन डिसअलाउ कर दी. एस्कॉर्ट हॉस्पिटल हाई कोर्ट में चला गया. उसने कहा कि एक एग्जेम्पशन जो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है वो आपका एक छोटा सा ऑफिसर एओ कैसे डिसअलाउ कर सकता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ने कहा यस, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल बिल्कुल सही बोल रहा है, एक एग्जेम्पशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उसे एओ विड्रॉ नहीं कर सकता, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही विड्रॉ कर सकती है. तब जब ये केस हार गई गवर्नमेंट, इन्होंने लॉ बनाया. क्या लॉ बनाया? एक तो मैंडेटरी किया, 139(4)C लेके आए कि जो लोग भी 1023(c) इस तरह की एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं और उनकी इनकम बिफोर एग्जेम्पशन एक्सीड्स द टैक्सेबल लिमिट, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो गया. अब इस हॉस्पिटल को आज रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. रिटर्न का फाइल करना मैंडेटरी है तो 143(2) नोटिस आ सकता है, इसको 143(3) असेसमेंट हो जाएगी. अब देखिए 143(3) में अमेंडमेंट लेके आए, इन्होंने कहा कि अगर एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, अगर एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है और एओ देखता है, एओ देखता है कि एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है बिकॉज इन्होंने सेक्शन की कंडीशंस वायलेट की हैं, या फिर जो नोटिफिकेशन में कंडीशंस थी वो वायलेट की है, तो एओ एग्जेम्पशन डिसअलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगा. क्या करेगा एओ? लेटर लिखेगा गवर्नमेंट को. एओ लेटर लिखेगा गवर्नमेंट को कि इन्होंने ये वायलेशंस किए हैं, एंड गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि यस वायलेशंस हुई हैं और गवर्नमेंट इनकी नोटिफिकेशन कैंसिल कर देती है, उसके बाद एओ एग्जेम्पशन डिसअलाउ कर दे. यानी अभी आप देखेंगे 143(3) में अमेंडमेंट आई जहां लिखा गया कि अगर एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है तो एओ अगर इनकम असेस करेगा उसे एग्जेम्पशन देनी ही देनी पड़ेगी, वो डिसअलाउ नहीं कर सकता. अनलेस, यानी डिसअलाउ कर सकता है अगर एओ ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया है अबाउट द वायलेशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली है बाय कैंसलिंग द नोटिफिकेशन. देखिएगा पेज 49, 143(3) प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एन असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)C, 4C में थे जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं,
1022, 1023 सी वाली जो एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एसेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 134C, नो ऑर्डर मेकिंग द असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस शैल बी मेड बाय द एओ विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, यानी आप अगर ऑर्डर करेंगे सेक्शन 10 एग्जेम्पशन देनी देनी पड़ेगी अनलेस यानी एग्जेम्पशन नहीं देंगे अगर अगर 1 and 2 कंडीशन फुलफिल्ड। दोबारा पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एसेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 134C में जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं 1023C वगैरह वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, नो ऑर्डर मेकिंग द असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉ शैल बी मेड बाय द एओ, एओ ऑर्डर पास नहीं कर सकता विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, यानी अगर ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन देनी देनी पड़ेगी अनलेस यानी अगर वो ऑर्डर करता है उसे सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन नहीं देगा अनलेस ईओ हैज इंटीमेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 वेयर इन हिज व्यू द कॉन्ट्रवेंशन हैज टेकन प्लेस एंड क्या हुआ है अप्रूवल ग्रांटेड टू सच इंस्टीट्यूशन हैज बीन विदड्रॉन या नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू की थी दैट हैज बीन रिसीन्ड मीन्स कैंसल्ड। एनालिसिस पढ़िए, पेज 52। मैंने फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशंस होती हैं सेक्शन 1021, 1022B, 23A वगैरह वगैरह, ये अवेलेबल होती हैं टू द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह प्रिस्क्राइब अथॉरिटी नोटिफिकेशन इशू करती है। दीज सेक्शंस प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी शैल रिसीव द नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन कैंसिल कौन कर सकता है, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन हैज नॉट सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस और सब्जेक्ट टू द कंडीशंस टू विच द एग्जेम्पशन वॉज ग्रांटेड। 4C में क्या किया गया, मैंडेटरी किया गया इन सभी इंस्टीट्यूशंस को कि रिटर्न फाइल करिए। ऑब्जेक्टिव था इस सेक्शन का कि एओ अब चेक कर सकता है रिटर्न ऑफ इनकम से कि क्या कंडीशंस ऑफ सेक्शन नोटिफिकेशन हैव बीन फुलफिल्ड और नॉट। थर्ड, इन केस द कंडीशन स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन नोटिफिकेशन हैव बीन कॉन्ट्रावेंट तो एओ एग्जेम्पशन डिसअलाउ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एओ शैल इंटीमेट सच कॉन्ट्रावेंशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हु शैल विड्रॉ द एग्जेम्पशन बाय रिसीविंग द नोटिफिकेशन। फर्स्ट प्रोविजो टू 143 प्रोवाइड्स दैट एओ कैन नॉट हिमसेल्फ डिसअलाउ द एग्जेम्पशन अंडर 1021 वगैरह वाइल मेकिंग असेसमेंट अंडर 143। ही कैन अंडर 143(3) डिसअलाउ द एग्जेम्पशन ऑफ द सेट सेक्शंस ओनली इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हैज रिसीव्ड कैंसल द नोटिफिकेशन विड्रॉविंग द एग्जेम्पशन। 153 प्रोवाइड्स ए टाइम लिमिट्स फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर 143 शैल बी इंक्रीज्ड। एक मिनट बता दो क्या है, अब देखिए प्रीवियस ईयर 21 लिखिएगा मत, ये एग्जांपल मैंने आगे कवर किया हुआ है। एक चैप्टर करेंगे टाइम लिमिट्स फॉर मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट, जहां 153 सेक्शन करेंगे वहां पढ़ेंगे इसे। असेसमेंट ईयर हो गया 21-22, इसने रिटर्न फाइल कर दी मान लीजिए 31 अक्टूबर 21 को फाइल कर दी, 20 करोड़ की इनकम और 1023C 20 करोड़ इनकम नील दिखा दी,
143 टू मान लीजिए इशू हो गया, सर्व हो गया 31st, लिखिए मत प्लीज, दिसंबर 21 को। अब एओ ने 1st फरवरी 22 को देखा, एओ ने 1st फरवरी 22 को देखा कि वॉयलेशंस हुई हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया गवर्नमेंट को। अब देखिए सरकार जो है वो तो आराम आराम से काम करती है, सरकार ने इंक्वायरी बैठा दी, कमिटीज बैठा दी ये चेक करने के लिए कि वॉयलेशंस हुई हैं या नहीं। बताइए 1433 करने का टाइम लिमिट क्या है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब मान लीजिए 31st December 22, मतलब आज है मान लीजिए, लेट अस से टुडे इज 31st December 22, और आज तक गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया, अब एओ क्या करेगा? उसकी लास्ट डेट असेसमेंट कंप्लीट करने की आज, अगर असेसमेंट कंप्लीट करेगा तो उसे एग्जेम्पशन देनी ही देनी पड़ेगी, बिकॉज लॉ क्या कह रहा था अभी, एओ अगर असेसमेंट करेगा तो उसे एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, अनलेस उसने गवर्नमेंट को लिख दिया है एंड गवर्नमेंट हैज विदड्रॉन द नोटिफिकेशन। अभी तक सरकार का रिप्लाई नहीं आया, सो प्रीवियस 21 असेसमेंट 21-22, रिटर्न फाइल की 31, 31-10-21 को, इनकम दिखाई 20 करोड़, एग्जेम्पशन क्लेम की 10-23C में 20 करोड़, इनकम नहीं दिखा दी। 143 टू सर्व हुआ 31-12-21 को, 1-22 को एओ ने देखा कि एग्जेम्पशन गलत क्लेम की हुई है, कंडीशंस वायलेट हुई हैं, उसे लेटर लिख दिया गवर्नमेंट को, और 31st December 22 इज द टाइम फॉर मेकिंग द कंप्लीटिंग द असेसमेंट। कोई रिस्पॉन्स गवर्नमेंट से नहीं आया, इसे हम आगे पढ़ेंगे, 4-5 लेक्चर बाद पढ़ेंगे इसे। यहां एओ क्या करेगा? असेसमेंट कंप्लीट नहीं करेगा, फाइल बंद करके रख देगा, अपनी फाइल एज इट इज छोड़ देगा, और बाद में देखेंगे अगर गवर्नमेंट का रिप्लाई आया कि एओ साहब आप गलत बोल रहे थे, कोई वॉयलेशन नहीं हुई, फिर बात खत्म, असेसमेंट की नहीं जाएगी, निल इनकम है, निली रहेगी। और मान लीजिए 30th June 24 को गवर्नमेंट का रिप्लाई आया, यस वॉयलेशंस हुई थी, एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, तो हम देखेंगे लॉ जो है असेसमेंट करने का टाइम लिमिट बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा वो हम आगे जाके देखेंगे। सो देखिए एओ ने लेटर लिख दिया गवर्नमेंट को, जो मेरी असेसमेंट करने का टाइम पीरियड है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, उस दिन तक सरकार का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो एओ असेसमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर असेसमेंट करेगा तो निल पे करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है, वो फाइल बंद करके रख देगा। बाद में अगर रिप्लाई आता है, सपोज गवर्नमेंट की कोई वॉयलेशन नहीं हुई, फिर तो कुछ नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट का कोई वॉयलेशन नहीं है फिर तो कुछ नहीं होगा, टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे असेसमेंट का, आपकी इनकम निल निली रहेगी, एओ को ऑर्डर नहीं पास करने देंगे। बट अगर 30 जून 24 को गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए थी, हम नोटिफिकेशन विदड्रॉ कर रहे हैं, तो हम देखेंगे लॉ मेकर्स क्या करेंगे, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग असेसमेंट बढ़ा देंगे, और एओ को कहेंगे अब आप असेसमेंट कर लीजिए, एग्जेम्पशन डिसअलाउ कर दीजिए, इनकम 20 करोड़ असेस कर दीजिए, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। एक हमने 139(4)(d) किया था, जहां 35(1)(2), 35(1)(3) में आप नोटिफाइड हैं एज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है,
यहां अगर एओ देखता है कि आप साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे, सोशल रिसर्च नहीं कर रहे, तो क्या करेगा एओ? ये एग्जेम्पशंस भी गवर्नमेंट देती है आपको, ये एग्जेम्पशंस नोटिफिकेशन गवर्नमेंट देती है आपको, तो एओ लेटर लिखेगा गवर्नमेंट को वो कि इनकी ये नोटिफिकेशंस कैंसिल करती जाए, और गवर्नमेंट देखेगी कि यस ये रिसर्च नहीं कर रहे, इनकी नोटिफिकेशंस कैंसिल कर देंगे ताकि इनको आप कोई डोनेशन ना दे और ये अपने आप बंद हो जाएंगे, प्रोवाइडेड फर्दर देखिएगा पेज 49, प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द एओ इज सेटिस्फाइड द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन referred in 35.1213 are not being carried out in accordance with the conditions subject to which university, college, institution was approved, he may, after giving reasonable opportunity being heard, show cause against the proposed withdrawal to the concerned university, college, institution, recommend to the central government to withdraw the approval, and the government may by order withdraw the approval and forward a copy of the order to the university, college and to the A. यहां 35.12 में जो इंस्टीट्यूशन होती है वो एग्जेम्पशन थोड़ी क्लेम करती है, वो तो जो डोनेशन देता है उसको डिडक्शन मिलती है. इन इंस्टीट्यूट्स का 35.13 स्टेटस कैंसिल कर दिया जाएगा, और 35.1213 का स्टेटस कैंसिल हो गया फिर तो इनको एग्जाम कोई डोनेशन देगा ही नहीं, ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे. एक चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रोविजन पढ़ेंगे आप. एक ट्रस्ट जो होती है उसे कमीशन अप्रूव करता है, उसे कमीशन अप्रूव करता है. अगर कमीशनर ने अप्रूव किया है तभी आपको मिलती है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12. ठीक है, एक ट्रस्ट होती है, पढ़ेंगे सर बाद में, जिसका ऑब्जेक्ट होता है एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ये सब जब ट्रस्ट का चैप्टर कराऊंगा तब लिंक कराऊंगा, अभी थोड़ा सा लिंकेज दे लीजिए. एक ट्रस्ट जिसका मेन ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अगर इसकी कमर्शियल रिसीट्स 20% ऑफ टोटल रिसीट से एक्सीड कर जाती हैं, अगर इसकी कमर्शियल रिसीट्स टोटल रिसीट्स के 20% से एक्सीड कर जाती हैं, तो जिस साल कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर होती हैं उस साल 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती. और यहां कमिश्नर को इसको एग्जेम्पशन को कैंसिल नहीं करना होता, सिर्फ लॉ में लिखा है कि आप ट्रस्ट रहेंगे बट जिस साल 20% से कमर्शियल रिसीट एक्सीड कर जाएंगी उस साल आपको 11-12 एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और कमिश्नर को जिस साल आपकी 20% एक्सीड कर रही है उस साल आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करता. नेक्स्ट ईयर अगर 20% से नीचे हो जाती है तो आपको एग्जेम्पशन मिलनी शुरू हो जाती है. तो अब इन्होंने 143(3) में यह क्लैरिफाई किया कि इस ट्रस्ट की अगर कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर है तो एओ 11-12 डिसअलाउ कर देगा, नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कि कमिश्नर ने इनकी एग्जेम्पशन कैंसिल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की है. ये ट्रस्ट में पढ़ेंगे वैसे हम पेज 49. अमेंडमेंट्स कॉन्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट इन चैप्टर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, द अमेंडमेंट इन चैप्टर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड एट एग्जेम्पशन अंडर 1023C or 11-12
shall not be available for the previous year in which commercial receipts exceeds the total receipts. Exemption shall not be available even if the Government Commission of Income Tax has not cancelled the approval notification granting the exemption under 1023C or 11N12. तो जिस साल आपकी कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर हो जाती हैं, उस साल आपको 1023 से भी नहीं मिलता और 1112 भी नहीं मिलता। और लॉ में लिखा है कि अगर आपकी नोटिफिकेशन उस केस में कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट 1023 से कैंसिल नहीं करेगी, कमिश्नर 1112 कैंसिल नहीं करेगा, बस आपको उस साल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये डिटेल में करेंगे जब ट्रस्ट करेंगे हम। 143(3) में इन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि नॉट विदस्टैंडिंग द फैक्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सीआईटी हैज नॉट विदड्रॉन द एग्जेम्पशन अंडर 1023C और 11N12, मतलब जिस साल, सो ये 1023C में भी कंडीशन होती हम करेंगे कि जिस साल कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर हो जाती है, उस साल आपको 1023C नहीं मिलता और सेंट्रल गवर्नमेंट को उस साल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी ट्रस्ट में पढ़ेंगे हम, 11-12 एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जिस साल आपकी 20% कमर्शियल रिसीट एक्सीड कर जाती है, वहां कमिश्नर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है। नॉट विदस्टैंडिंग द फैक्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और सीआईटी हैज नॉट विदड्रॉन द एग्जेम्पशन अंडर 1023C और 11-12, EO shall not give exemption under 1023C or 11-12 in case of a trust institution for the previous year in which proviso to 215 becomes applicable, that is commercial receipts exceed 20% of total receipts. Whether or not approval granted to such trust institution has been cancelled under 12AA, 1023C, EO will disallow the exemption under 1023C 11-12 by operation of law. तो देखिए, सेक्शन 11-12 में रजिस्ट्रेशन देता है कमिश्नर, और अगर आप वॉयलेशंस करते हैं तो कमिश्नर कैंसिल कर देता है रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही 1023C में एग्जेम्पशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आप वॉयलेशन करते हैं तो एग्जेम्पशन कैंसिल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इन दोनों में लिखा हुआ है कि अगर कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर है, उस साल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको। और ये लिखा है कि इवन सीआईटी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की है तब भी नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की है तब भी नहीं मिलेगी। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से है, क्योंकि अगर आप 20% से ज्यादा कमर्शियल रिसीट्स हैं फिर तो आप बिजनेस कर रहे हैं। ये सब 11-12, 1023 में करेंगे हम। तो इन केसेस में जहां कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर है, वहां आपको एओ 11-12 नहीं देगा, इवन इफ कमिश्नर हैज नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एंड द रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड बाय कमिश्नर। एओ आपको 1023 से नहीं देगा, इवन इफ द नोटिफिकेशन वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज नॉट कैंसिल्ड इट। सिर्फ जहां 20% से ऊपर कमर्शियल रिसीट्स हैं, वहां एओ का पावर है कि वो डिसअलाउ कर सकता है। अगर कोई और वॉयलेशन है, फिर एओ डिसअलाउ तभी कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन कैंसिल करती। क्लियर है? ओके। अच्छा।
अच्छा एक मिनट, आइएगा पेज 35 पर, पेज 35 नोटिस अंडर 142(1). मैंने आपको 142(1)(1) करा दिया था, जहां अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है तो एओ आपको नोटिस भेजकर रिटर्न मंगा सकता है। अब इसका 142(1)(2) पढ़िएगा, जो मैंने उस समय छोड़ दिया था। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट बाय इशूइंग दिस नोटिस द एओ कैन रिक्वायर द असेसी टू फर्निश अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वेरियस अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेदर इंक्लूडेड इन अकाउंट्स और नॉट, एंड इन द वर्ड्स वेदर इंक्लूडेड इन अकाउंट्स और नॉट। तो ये नोटिस इशू करके एओ आपसे मंगा सकता है क्या अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वेरियस अदर इंफॉर्मेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल मंगा सकता है, और ये किस लिए मंगाएगा? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द असेसमेंट। मेरा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ये नोटिस इशू करके एओ आपकी असेसमेंट कर सकता है? आंसर इज नो। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज 36, ये लीगल पोजीशन है। 143(3) की असेसमेंट करने के लिए 143(2) देना मस्ट होता है। 144 की असेसमेंट करने के लिए 144 का शो कॉज देना मस्ट होता है, और 147 की असेसमेंट करने के लिए 148 नोटिस देना मस्ट होता है। तो सिर्फ ये नोटिस देकर असेसमेंट नहीं कर सकते, असेसमेंट तो इन्हीं तीन सेक्शन में होती है, 143(3), 144, 147, 143(3) के लिए एओ को 143(2) देना मस्त होता है, 144 के लिए शो कॉज अंडर 144 देना मस्त होता है, 147 के लिए 148 देना मस्त होता है। तो सिर्फ ये नोटिस इशू करके एओ आपकी असेसमेंट नहीं कर सकता। अभी हम देखेंगे नॉर्मली ये नोटिस इन नोटिस के साथ इशू किया जाता है, अभी देखते हैं, अभी देख लेंगे, आज देख लेंगे। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि 142(1)(2) का नोटिस इशू करके एओ आपकी असेसमेंट नहीं कर सकता, उसे 143(2) इशू करना पड़ेगा 143 के लिए, 144 के लिए 144 का शोकस होता है, 147 के लिए 148 होता है। तो इसका क्या फायदा अभी देखेंगे। सो 142(1)(2) कहता है कि असेसमेंट करने के लिए एओ ये नोटिस भेजकर आपसे मंगा सकता है आपकी अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वेरियस अदर इंफॉर्मेशन एंड अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेरीज वेदर इंक्लूडेड इन अकाउंट्स और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स में इंक्लूडेड है, यानी बिजनेस एसेट्स बिजनेस लाइबिलिटीज की डिटेल मांग सकता है, वेदर इंक्लूडेड अकाउंट्स और नॉट पर्सनल एसेट्स। आपके पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लाइबिलिटीज की डिटेल मांग सकता है कि आपने जो रहने के लिए घर खरीदा है उसकी डिटेल दीजिए, कब खरीदा, उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं। अच्छा, अब अगर जो बैलेंस शीट में एसेट्स हैं उनकी डिटेल मांग रहा है, जस्टिफाइड है, बट अगर आपके पर्सनल एसेट्स की डिटेल मांग रहा है, हो सकता है आपको हैरेस कर रहा हो, इसलिए लॉ में वो आ गया, कॉशन आ गया कि अगर एओ डिटेल्स मांगता है आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, तो उसे प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी जॉइंट कमिश्नर। यानी अगर एओ कौन है, एसी, डीसी और आईटीओ, तो उसे हायर ऑफिसर
जेसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर खुद अगर एओ ही जेसी है अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। और आज तो ये सब चीज बेकार हो चुकी है, इन द सेंस कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में तो पता ही नहीं कौन होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसे। सो आज प्रैक्टिकली ये पॉइंट बेकार हो चुके हैं, बिकॉज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में आपकी असेसमेंट कौन कर रहा है, आपको नोटिस कौन दे रहा है, ये पता ही नहीं होता। एओ शैल ऑब्टेन द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर बिफोर रिक्वायरिंग द असेसी टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंट्स। तो अगर पर्सनल एसेट्स पर्सनल लायबिलिटीज से डिटेल मांग रहा है एओ, तो उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी जेसी। और इस सेक्शन में एओ आपसे मांग सकता है अकाउंट्स करंट ईयर के और पिछले 3 साल के। द एओ शैल नॉट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट्स रिलेटिंग टू अ पीरियड मोर देन 3 ईयर्स प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर एंड लास्ट 3 ईयर्स। नोटिस अंडर 142(1)(2) कैन बी इशूड चाहे असेसमेंट रिटर्न फाइल की है या नहीं फाइल की। एक बात बताइए, अगर एओ सिर्फ 143(2) इशू कर देता है स्क्रूटनी, आपसे सब कुछ मांग सकता है या नहीं? मांग सकता है, इसकी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमने लिखा बाय इशूइंग अ नोटिस अंडर 142(1)(2) अलोन, सिर्फ ये नोटिस इशू करके एओ कैन नॉट मेक द असेसमेंट। तो हम एओ की जगह अब हर जगह पढ़ेंगे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। नॉर्मली नोटिस 142(1)(2) का इशू करते हैं आफ्टर गिविंग स्क्रूटनी नोटिस या शो कॉज नोटिस 144 या 148, ये नॉर्मली नहीं देते हैं। मतलब अगर 143(2) दे दिया उसके बाद 142(1)(2) की जरूरत नहीं होती, बिकॉज 143(2) इटसेल्फ इज वेरी फाइन। ये लाइन अभी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। सो प्रैक्टिकली ये नोटिस दिया जाता है 144 में और 148 पढ़ेंगे हम। 143(2) के साथ नोटिस नहीं देते, ये नहीं देते। अब एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कंपेयर करिए पेज 53 नोटिस अंडर 142(1) एंड 143(2)। सिर्फ 142(1) का मतलब हो गया दोनों आ गए 142(1)(1) एंड 142(1)(2)। तो देखिए ये जो 142(1) का नोटिस होता है ये किस लिए होता है? नोटिस टू कॉल फॉर रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स। और 143(2) होता है स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए। सिर्फ 142(1)(2) अलोन इशू करके असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि 143(2) इशू करके असेसमेंट होती है। 3, नोटिस कैन बी इशूड इवन इफ असेसी हैज नॉट फाइल द आरओआई, बट 143(2) कैन बी इशूड ओनली इफ यू फाइल द आरओआई। 142(1)(2), 142(1)(1), 142 को इशू करने के लिए टाइम लिमिट टाइम नहीं है, बट 143(2) को इशू करने के सर्व करने का टाइम लिमिट 3 मंथ्स। यहां जेसी की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर आप पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिटेल मांग रहे हैं यहां कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती। यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं करंट ईयर एंड 3 प्रीवियस ईयर्स, यहां ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज 6 साल की बुक्स मेंटेन करनी होती है, 6 साल की बुक्स मांग सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो आज ये सारी पावर जो आपने 143(2) में पढ़ी, 143(3) में पढ़ी,
ये सारी पावर्स आ गई हैं विद नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। पेज 54 पर आइए। सेक्शन 144, इट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑल्सो नोन एज एक्स पार्टे असेसमेंट। एक्स पार्टी, स्पेलिंग वाई नहीं होती, होनी वाई चाहिए बट ई लिखते हैं हम। एक्स पार्टे असेसमेंट यानी बिना असेसी के प्रेजेंट हुए ही असेसमेंट करते थे। अगर आपका फॉलोइंग डिफॉल्ट्स है, अगर आपके फॉलोइंग डिफॉल्ट्स हैं तो एओ के पास पावर आ जाएगी टू मेक असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। देखिए क्या डिफॉल्ट है, पेज 54, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इफ एनी पर्सन fails to furnish a return of income under section 139(1), आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की, एंड हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) किस दिन तक, अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर 144। सो एओ 144 करने से पहले आपको शो कॉज देगा कि बताइए आपने रिटर्न नहीं फाइल की ड्यू डेट तक, तो मैं शो कॉज, तो मैं क्यों 144 क्यों ना करूं। मेरा प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2021, मेरी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2021। मैंने 11/12/2021 तक रिटर्न नहीं फाइल की। ऑल दो मैं बिलेट रिटर्न फाइल कर सकता हूं कब तक, 31/12/21 तक। अब एओ इस दिन बैठता है, इस दिन बैठता है और देखता है कि आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की और आज तक रिटर्न नहीं फाइल की, यानी 11 दिसंबर तक रिटर्न नहीं फाइल की, तो अब वो आपको 144 का शो कॉज दे सकता है कि बताइए मैं आपका 144 क्यों ना करूं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ड्यू डेट निकल गई, ईओ के पास पावर आ जाती है टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और देखिए प्रैक्टिकली ड्यू डेट के बाद ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तब करते हैं जब अभी देखते हैं। सो पावर इनके पास, इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), अपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की और जिस दिन एओ आपको शो कॉज देने जा रहा है उस दिन तक रिटर्न नहीं फाइल किया, अगर आज एओ रिटर्न मतलब सपोज आपने 11/12/2021 को रिटर्न फाइल कर दी, अब 12 तारीख को अगर एओ बैठता है आपको 144 नहीं देगा बिकॉज आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तो जिस दिन एओ एक्शन लेने जा रहा है उस दिन तक डिफॉल्ट चल रहा है, 144 इशू कर सकता है शो कॉज। इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) एंड हैज नॉट फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) अप टू द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर 144। और देखिए आज क्या है, ड्यू डेट निकल गई तो आज लेट रिटर्न फाइल करने का टाइम सिर्फ इतना ही तो है मेरा। प्रैक्टिकली ड्यू डेट निकलने के बाद आपका 144 नहीं करते हैं,
ना ही आपको 142 आता है। वो तो जब इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपने बैंक में कैश जमा किए 20 लाख और रिटर्न नहीं जमा की, तो ये वो कहेगा कि अब मैं क्या करूं, 142-11 करूं या 144 करूं। आपने कहा कैश जमा किया 10 करोड़, यस आई डू 144 नाउ। सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो जहां ये देखते हैं कि रिटर्न नहीं फाइल हुई है और इनके पास इंफॉर्मेशन है कि जमा 10 कैश जमा हुआ है और इस तरह है, तो ये 144 की पावर ले लेता है। नथिंग स्टॉप्स हिम फ्रॉम इशूइंग नोटिस ऑन 142-11। आगे पढ़ेंगे, 147 भी कर सकता है, वो देखेंगे, 2-3 क्लास बाद देखेंगे। नंबर 2, फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ द नोटिस इशूड अंडर 142-11 और 142-12। सो आप नोटिस से कंप्लाई नहीं करते जो 142-11 में आया या 142-12 में। एक हम करेंगे आज ब्रेक के बाद या फिर नेक्स्ट क्लास में, स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन दी जाती है आपको स्पेशल ऑडिट के लिए अंडर 142-2A, जो हमने बीच में छोड़ दिया, अभी कर लेंगे 9B2D ऑन द नेक्स्ट क्लास। अगर उस डायरेक्शन से आप कंप्लाई नहीं करते या फिर आपको 143-2 स्क्रूटनी नोटिस आया, आपसे 5 इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपने सिर्फ 4 दी, फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स ऑफ अ नोटिस इशूड अंडर 143-2। सो अगर इनमें से कोई भी फेलियर है तो एओ के पास पावर आ जाती है टू मेक असेसमेंट अंडर 144। Then EO, after taking into account all relevant material which he has gathered, make an assessment to the best of his judgment. अपने हिसाब से assessment करेगा and determine the tax payable by the assessee. यहां refund नहीं लिखा हुआ, यानी 144 में refund नहीं दिया जा सकता। तो मैंने लिखवाया था 144 में income cannot be assessed below return income। बताइए, अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो क्या 144 पॉसिबल है? यस, रिटर्न फाइल किया आपने, स्क्रूटनी नोटिस से कंप्लाई नहीं किया, स्पेशल ऑर्डर डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया, तो 144 हो सकती है आपकी। सो रिटर्न फाइल की है तब भी 144 हो सकती है, रिटर्न नहीं फाइल की, ए बी का फर्स्ट पार्ट, तो रिटर्न फाइल नहीं की तब भी 144 हो सकती है, रिटर्न फाइल की तब भी हो सकती है। मैंने रिटर्न फाइल की 10 लाख की, ईओ को पता चलता मेरी इनकम 10 करोड़ है, क्या 144 कर सकता है? नहीं कर सकता। 144 तभी कर सकता है जब ये 4 फेलियर्स हो, चारों में से कोई है ही नहीं, रिटर्न फाइल है मेरी, नोटिस कोई आया ही नहीं, कंप्लायंस की बात ही नहीं है, ऑडिट डायरेक्शन से नॉन कंप्लायंस नहीं है। तो यहां लिखिए पेज 54 एट द बॉटम लिखिए, असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 कैन बी मेड इफ एनी ऑफ द 4 फेलियर्स listed above are there. Assessment under 144 cannot be made for any other failure.
सो 144 कर सकते हैं अगर ये चार में से एक भी फेलियर है, एक से ज्यादा फेलियर है, इसके अलावा कोई फेलियर है तो 144 पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने रिटर्न नहीं फाइल की, आपको शो कॉज आया, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया आपने। अब ईओ जो है 144 में असेसमेंट करेगा कैसे, टू द बेस्ट ऑफ असेसमेंट। लॉ कहता है देन पेज 55, देन द ईओ आफ्टर टेकिंग इन अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल विच ही हैज गैदर्ड शैल मेक द असेसमेंट ऑफ द बेस्ट ऑफ असेसमेंट, जो उसके हिसाब से बेस्ट है वो कर देगा, एंड डिटरमिन द टैक्स पेबल बाय द असेसी। तो क्या एओ ऐसे कर सकता है कि मैं इनकम टू द बेस्ट ऑफ माय जजमेंट इज 10 करोड़? नो। सुनिएगा, हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे आगे जाकर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हर जज को तो जिसके पास भी जस्टिस करने की पावर होती है उसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने होते हैं। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया आपने और ऑर्डर पास कर दिया तो जज का ऑर्डर विल बी वॉइड। पहला प्रिंसिपल होता है कि किसी भी जज का ऑर्डर जो है स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब उसमें डिटेल रीजंस लिखे होने चाहिए कि हमने ये ऑर्डर क्यों पास किया है। आपने देखा होगा कसाब जो टेररिस्ट था उसका ऑर्डर 2000 पेज का था, स्पीकिंग ऑर्डर था, मगर जज ने बताया था ये किस तरह से टेररिस्ट इंप्रूव कर रहे हैं। सो जज को डिटेल रीजन देने पड़ते हैं कि मैंने ये ऑर्डर क्यों पास किया है। अगर ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होगा तो करप्शन जुडिशरी में एंटर कर जाएगी। जज एक लाइन लिख देगा, दिस मैन इज नॉट गिल्टी, फुल स्टॉप। बट प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर आप कहते हैं दिस मैन इज नॉट गिल्टी, डिटेल रीजन दीजिए आप क्यों कह रहे हैं गिल्टी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं गिल्टी है तो डिटेल रीजन दीजिए क्यों कह रहे हैं आप गिल्टी है। एन ऑर्डर विच इज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर इज वॉइड ऑफ एन इश्यू। इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी जजेस होती है, पूरी तरह जजेस नहीं होती, उनको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, क्योंकि जजेस के पास स्पेशल पावर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर वो पावर नहीं होते, बट ये क्वासी, मतलब क्वासी मतलब पार्टली, दे आर पार्टली लाइक जजेस। ईओ भी आपकी इनकम निकालता है, जज की तरह से भी एक्ट करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी फॉलो करने होते हैं। अगर 144 का ईओ ऑर्डर पास कर रहा है तो बताएगा मैंने इनकम कैसे निकाली है, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। बताएगा, वो ये नहीं कह सकता इनकम इज 1 करोड़, इनकम इज 10 करोड़, टू द बेस्ट ऑफ माय जजमेंट। नो, ही विल टेल द रीजंस कि उसने कैसे इनकम निकाली। ऐसे कह सकता है कि मेरे पास पिछले साल की रिटर्न है, पिछले साल में टर्नओवर है 10 करोड़ और प्रॉफिट दिखाया है सिर्फ 5 लाख। मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट ईयर टर्नओवर बेसिस ले रहा हूं। सो ईओ 144 में इस तरह से ऑर्डर पास कर सकता है कि उसके पास करंट ईयर रिटर्न नहीं है इसलिए 144 कर रहा है, उसके पास लास्ट ईयर रिटर्न है या एक साल पहले की रिटर्न है, उसमें टर्नओवर है 10 करोड़, प्रॉफिट है 5 लाख। वो कह सकता है मैं वहां से टर्नओवर उठा रहा हूं, मानता हूं कि 10% इंक्रीज होगा टर्नओवर में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह 11 करोड़, और जिस इंडस्ट्री को असेसी बिलोंग करता है वहां 10% प्रॉफिट आता है एंड देयरफॉर प्रॉफिट इज 1.1 करोड़।
तो रीजनेबल बेसिस आ गई, स्पीकिंग ऑर्डर है। तो 144 में जो एओ ऑर्डर पास करेगा उसमें डिटेल रीजनिंग देगा कि मैंने इनकम कैसे निकाली है। नॉर्मली ये पिछले सालों का टर्नओवर ले लेते हैं, उसके बेसिस पे निकालते हैं। ऐसा भी करते हैं जैसे करंट ईयर में आपने कंप्लायंस नहीं किया तो नोटिस से कंप्लाई नहीं किया, 144 कर रहे हैं तो करंट ईयर का टर्नओवर ले लेंगे और कहेंगे हम एक्सपेंसेस वेरीफाई नहीं कर रहे बिकॉज एक्स पार्टी असेसमेंट है, और जिसको आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वहां जीपी रेट 10% है, देयरफॉर वी एस्टिमेट द इनकम टू द बेस्ट ऑफ जजमेंट टू बी 1 करोड़। सो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी बताने का एओ कि मैंने इनकम कैसे निकाली, क्या बेसिस लिया। एन ऑर्डर विच इज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर इज वॉइड डिमिनिशन। दूसरा, सभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने होते हैं, अगर नहीं फॉलो करते द ऑर्डर इज वॉइड एब इनिशियो। फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट द ऑर्डर मस्ट बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, डिटेल रीजनिंग मस्ट बी गिवन कि हमने ऑर्डर क्यों पास किया, कैसे पास किया। दूसरा प्रिंसिपल होता है शो कॉज नोटिस। आपने सुना होगा कसाब टेररिस्ट जो था, उसे मतलब हैंग टिल डेथ करने से पहले उसकी बड़ी सारी सुनवाई हुई थी, हियरिंग्स हुई थी, और अगर वो प्रूव करता था वो माइनर है तो उसे हैंग नहीं कर सकते थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि अगर किसी को भी सजा देना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल सजा है यानी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं या जेल वगैरह है या कुछ भी, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करना चाहते हैं, तो ऑर्डर पास करने से पहले उस व्यक्ति को, उस पर्सन को सुनने का मौका दीजिए, उसे शो कॉज नोटिस दीजिए कि हम तेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर क्यों ना पास कर। और अगर आपने बिना शो कॉज नोटिस के ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर इज वॉइड एब इनिशियो। हो सकती है अगर आपने 139 वन मिनट रिटर्न फाइल की और जिस दिन शो कॉज इश्यू हो रहा है उस दिन तक लेटर रिटर्न फाइल किया, आपने 142-11 से कंप्लाई नहीं किया, 142-12 से कंप्लाई नहीं किया, आपने ऑडिट डायरेक्शन जो मैं कराऊंगा उससे कंप्लाई नहीं किया, या आपने स्क्रूटी नोटिस से कंप्लाई नहीं किया, तो लॉ कहता है कि 144 करने से पहले हम आपको शो कॉज देंगे कि बताइए हम 144 क्यों ना कर। और देखिए, अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, फैमिली में डेथ हो गई थी, फादर की डेथ हो गई, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हो गए थे, बच्चा हॉस्पिटल में चला गया था, अगर रीजनेबल कॉज है तो 144 ड्रॉप कर देंगे। बट 144 करने से पहले आपको शो कॉज दिया जाएगा 144 का, कि बताइए 144 क्यों ना करें। लॉ कहते हैं एक केस में 144 शो कॉज नहीं देंगे हम, वो ये वाला केस है। इस केस में आपको शो कॉज क्यों नहीं दिया जाएगा, आपका डबल डिफॉल्ट है। पहले तो आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की, उसके बाद हमने आपको नोटिस भेजकर रिटर्न मंगाई, आपने फिर भी नहीं फाइल की, फिर तो डबल डिफॉल्ट है। तो यहां आपको 144 का शो कॉज नहीं देंगे। देखिएगा, पेज 55, द असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट मेक द असेसमेंट अनलेस इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट टू द असेसी एंड द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट शैल बी गिवन बाय सर्विंग अ नोटिस अपॉन द असेसी इन विच ही शैल बी आस्क्ड टू शो कॉज एज टू वाई अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शुड नॉट बी मेड ऑन हिम। दिस इज कॉल्ड अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 144। दिस शो कॉज नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड वेयर
नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1) हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड टू द असेसी एंड असेसी हैज नॉट कंप्लाइड विद द नोटिस अंडर 142(1)(1), डबल डिफॉल्ट है आपका। एनालिसिस देखिएगा, इफ एन असेसमेंट अंडर 144 इज मेड विदाउट गिविंग अ शो कॉज नोटिस अंडर 144 एक्सेप्ट दैट एक्सेप्शनल केस देन असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड क्या से फाड़ के फेंक देंगे? नो, आपको अपील में जाना पड़ेगा सीआईटी अपील्स में या फिर कमिश्नर के पास 264 में। यहां देखिए लिखा है, ऊपर लिखा है डिटरमिन द टैक्स पेबल बाय द असेसी। पहले यहां पर होता था टैक्स पेबल बाय द असेसी और अमाउंट रिफंडेबल टू हिम, अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, ये वर्ड से डिलीट कर दिए गए थे। सो पहले यहां पर लिखा होता डिटरमिन द टैक्स पेबल बाय द असेसी और रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम, ये वर्ड से डिलीट कर दिए गए थे। और इस डिलीशन का मतलब गवर्नमेंट ने समझाया कि 144 में हम रिफंड नहीं देंगे आपको, और 144 में आपकी इनकम जो है इट कैन नॉट बी असेस्ड बिलो द रिटर्न इनकम एंड द लॉसेस कैन नॉट बी असेस्ड एट अ फिगर हायर देन द रिटर्न लॉस। द वर्ड्स और रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम वर डिलीटेड फ्रॉम सेक्शन 144। As per the clarification issued by CBDT, the AO under section 144 cannot assess the income below the return income and cannot assess the loss higher than the return loss. मैंने बताया आपको, अगर आपने return नहीं file की तो AO 144 कर सकता है और law कहता है he will गैदर द मेटीरियल, मतलब जो ही विल टेक इन टू अकाउंट ऑल मेटीरियल विच इज गैदर्ड, स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। तो लास्ट ईयर रिटर्न के बेसिस पर टर्नओवर निकालकर प्रॉफिट निकाल देगा आपके। सपोज ईओ के पास लास्ट ईयर रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको 142(1)(2) में नोटिस भेजकर आपसे पूछ सकता है कि बताइए आपके टर्नओवर क्या है। तो देखिए हमने ये पढ़ा था ना अभी, पेज 36 पॉइंट 4, बाय इशुइंग अ नोटिस अंडर 142(1)(2) अलोन द एओ कैन नॉट मेक एन असेसमेंट। नॉर्मली द नोटिस अंडर 142(1)(2) इज इशूड After giving the following notices, show cause notice under 144. तो अब देखिए मेरे केस में AO के पास कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर रिटर्न भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? पहले 144 का शो कॉज देगा। अगर रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री है तो इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा? By issuing a notice under 142(1)(2). If the reply to show cause notice under 144 is not satisfactory, then AO issues notice under 142(1) to get together information for the purpose of making best judgment assessment. चलिए ब्रेक की बात करते हैं। Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Food trusted qualification for skilled professionals. With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACC ensures faster progression in your career. Can we please start the class? So, break में आप लोगों की query आई कि 144 ex parte होता है, यानी assessee के बिना बुलाए 144 करते हैं। But one of you said कि show cause notice दिया जाता है। देखिए शो कॉज नोटिस सिर्फ इसलिए दिया जाता है ये पूछने के लिए कोई रीजनेबल कॉज था या नहीं। आपने रिटर्न नहीं फाइल की ड्यू डेट तक, बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल की, आपने नोटिस से कंप्लाई नहीं किया, आपने ऑडिट डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया, तो एओ गेट्स द पावर टू मेक 144।
अब शो कॉज नोटिस आपसे भेजकर यह पूछ रहा है कि बताइए मैं 144 क्यों ना करूं। अगर आप रिप्लाई देते हैं कि मेरी फैमिली में डेथ हो गई, मेरी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज था, उसका प्रॉपर प्रूफ देते हैं, उस केस में 144 ड्रॉप कर दिया जाता है, उस केस में 144 ड्रॉप कर दिया जाता है। और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फिर एओ 144 करता है। और जब 144 करता है तो आपको नहीं बुलाता, आपसे कोई डिस्कशन नहीं करता, जो उसके पास मेटीरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पर 144 कर देता है। सो हम पेज 54 पर थे ब्रेक से पहले कि अगर ये चार डिफॉल्ट्स होते हैं तो एओ ऑन द बेसिस ऑफ मेटीरियल विच इज गैदर्ड आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। बेस्ट पेज 55, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले आपको शो कॉज नोटिस देगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 144 क्यों ना करें। और ये शो कॉज रिक्वायर्ड नहीं होता है जहां ऑलरेडी आपको 142(11) का नोटिस आ गया है और उससे भी आपने कंप्लाई नहीं किया है। एनालिसिस में हमने पढ़ा कि अगर 144 की जाती है विदाउट गिविंग अ शो कॉज नोटिस देन असेसमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। यहां से वर्ड्स रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम हटा दिए गए थे, 144 में रिफंड नहीं मिल सकता आपको, और बोर्ड ने कहा 144 में इनकम कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द रिटर्न इनकम, लॉसेस कैन नॉट बी असेस्ड एट अ फिगर हायर देन द रिटर्न लॉस। इनका क्वेश्चन है कि शो कॉज देने का टाइम लिमिट क्या है, अभी बताता हूं। इनका क्वेश्चन है कि 144 में जो शो कॉज दिया जाता है उसको देने का टाइम लिमिट क्या है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इससे पहले पेज पे लिख लीजिए जहां नोट्स लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर है मैं 22-23 नहीं लूंगा, बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, 21-22 ठीक है। अब इसके लॉ कहता है कि 144 ऑर्डर जो होता है कैन बी मेड अप टू 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट मीन्स 31-12-2022। सो 143(3) और 144 का ऑर्डर के लिए टाइम लिमिट सेम है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब बताइए शो कॉज 144 कब देगा आपको, इससे बहुत पहले देगा। सो SCN अंडर 144 शुड बी इशूड मच बिफोर 31-12-2022। सो मच बिफोर मतलब इन सच अ मैनर डेट असेसी गेट्स टाइम टू रिप्लाई टू SCN एंड AO कंप्लीट्स 144 अप टू 31-12-2022। सो नॉर्मली नवंबर में दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि रिप्लाई करिए बस 30 नवंबर, और फिर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो AO फिर
एक महीने के अंदर मेटल गैदर करके असेसमेंट कंप्लीट करेगा भाई 31/12/22। अगर एओ बाय चांस इसके बाद एओ को पता चलता है कि आपने रिटर्न नहीं फाइल की और आपकी इनकम है, तो हम शॉर्टली पढ़ेंगे दो एक लेक्चर बाद एओ 147 में केस खोलेगा। तो जब 144 नहीं हो सकता, 143 नहीं हो सकता, तो एओ फिर 147 में आ जाता है, जो हम करेंगे दो तीन क्लास बाद, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। पेज 55 पे पॉइंट 54 देखिएगा, टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 इट्स द सेम एज वी डिड इन 143, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। पहले ये टाइम 12 महीने हुआ करता था। फाइनेंस एक्ट 21 ने ये टाइम रिड्यूस करके 9 months कर दिया है। EO, जैसे मैंने बताया था आपको ब्रेक से पहले, आर्बिट्ररी मैनर में यह नहीं कह सकता कि आपकी इनकम 50 लाख है, 10 करोड़ है। नो, ऑर्डर मस्ट बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। उसे बेसिस देना होगा कि वो उसने इनकम कैसे निकाली। मैंने बताया था नॉर्मली क्या करते हैं, अगर लास्ट ईयर की रिटर्न है या करंट ईयर रिटर्न है, उसका टर्नओवर ले लेते हैं और उस पर प्रिजम्प्टिव रेट लगाकर कि इतना हम जीपी एस्टिमेट करते हैं, जैसे 10 करोड़ का टर्नओवर है, वी टू द बेस्ट ऑफ आवर जजमेंट द नेट प्रॉफिट शुड बी 20%। 10 करोड़ का 20% इज 2 करोड़, 2 करोड़ इज द इनकम। द असेसमेंट अंडर 144 कैन नॉट बी मेड इन एन आर्बिट्ररी मैनर और ऑन एडहॉक बेसिस। द असेसमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द मेटीरियल विच द ईओ कलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर रिटर्न, करेंट ईयर रिटर्न, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री एटसेट्रा। द ईओ मस्ट स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर 144 एंड द बेसिस मस्ट बी अ रैशनल एंड साइंटिफिक बेसिस। ऑर्डर मस्ट बी अ स्पीकिंग ऑर्डर एंड इफ इट इज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर देन इट्स वॉइड एब इश्यू। मैंने पेज 35 पर आपको 142 कराया था, जहां एओ आपसे नोटिस भेजकर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाता है। तो जब एओ के पास लास्ट ईयर रिटर्न वगैरह कुछ नहीं होती, तो एओ पेज 36 पर देखिएगा, आपको 144 का नोटिस भेजकर कहता है कि सॉरी 142 12, सो 142 12 का नोटिस भेज के कहता है मुझे बताइए टर्नओवर कितना था आपका, आपने जीएसटी कितना पे किया, ऑल दोस थिंग्स। तो देखिए, हमने पेज 36 पे किया था, बाय इशूइंग अ नोटिस अंडर 142 12 अलोन द एओ कैन नॉट मेक एन असेसमेंट। नॉर्मली द नोटिस अंडर 142 12 इज इशूड आफ्टर गिविंग द फॉलोइंग नोटिस, स्क्रूटनी नोटिस अंडर 143 2, शो कॉज नोटिस अंडर 144। नीचे पढ़िए स्टार, इफ रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस अंडर 144 इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो एओ ये नोटिस इश्यू करता है 142 12 का किस लिए, टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जब आप 139 4 कर रहे थे, तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था जो ये रहा, फॉर असेसमेंट ईयर 21 22 The due date is 31/10/21 and the return is not filed till 30 November 21। Due date निकल गई 30/11/21 को AO issues a notice under 144 to the assessor to show cause as to why a best judgment assessment should not be made on him on failure to file the return under section 139(1) and 139(4). In the said show cause notice, assessees asked to file the reply by 15 December 21. The assessee, case 1, assessee files a reply to the show cause notice on 15/12/21,
stating that because of death in the family, he was not able to file the return. Along with the reply, he files a return. इस केस में सिंस रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है 144 ड्रॉप कर दिया जाएगा. मैटरेंस आपकी रिटर्न जो है वैलिड रिटर्न है, इसे प्रोसेसिंग में भेज देंगे. 147 प्रोसेसिंग में चली जाएगी रिटर्न. और अगर कास्ट की गाइडलाइंस में आ रहा होगा तो केस स्क्रूटनी में आ जाएगा, अदरवाइज मैटरेंस. नंबर टू, असेसी डज नॉट रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस, या फिर उसका रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ही गिव्स नो वैलिड रीजंस फॉर फेलियर टू फाइल द RY, बट वो रिटर्न फाइल कर देता है. यही क्वेश्चन पूछा था आपने, रिटर्न वैलिड है. बट सिंस रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, AO यहां पर 144 करेगा और रिटर्न से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, टर्नओवर ले सकता है बेसिस. और टर्नओवर का वो कह सकता है कि जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं वहां 20% जीपी रेट है, इसलिए मैं 20% आपका प्रॉफिट असेस कर रहा हूं ऑफ द टर्नओवर. द रिटर्न फाइल्ड ऑन 15/12/21 इज अ वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). Since there is a reasonable cause for failure to file the ROI, AO shall drop the proceedings under 144. और अब केस नॉर्मल रहेगा आपका, रिटर्न 143(1) में प्रोसेसिंग में चली जाएगी और कास की गाइडलाइंस में होगा तो स्क्रूटनी में आ जाएगी, नहीं तो खेल खत्म. मैटरेंस टू, द रिटर्न फाइल ऑन 15/12/21 इज अ वैलिड रिटर्न अंडर 139(4). Since assessee does not reply to the show cause notice, या फिर reply satisfactory नहीं है, AO a best judgment assessment करेगा 144 में. और best judgment assessment करते वक्त he will gather information from return filed on 15/12/21. एक query आपकी ये आ रही है कि suppose इस केस में AO ने शो कॉज नोटिस आपको 15 जून 22 को दिया होता, असेसमेंट 21/22, या शो कॉज नोटिस आपको 15 जून 22 को दिया गया होता और आपसे कहा गया होता कि 30 जून तक रिप्लाई करिए, ठीक है. तो सपोज आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई फाइल करते कि फैमिली में डेथ हो गई थी, बट यहां आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे बिकॉज रिटर्न टाइम बार हो गई है, बिकॉज रिटर्न 31/12/21 के बाद फाइल नहीं हो सकती. तो अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो AO फिर आपको 142(1)(1) दे देगा, कहेगा जी आप रिटर्न फाइल कर दीजिए. मैटरेंस, और रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो 144 करेगा आफ्टर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट. क्लियर है? सो आगे के सेक्शंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक कंसेप्ट कराऊं पहले आपको मैं, एक कंसेप्ट करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट में आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AO. अगर नोटिस है AO का, उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते आप. AO की कोई डायरेक्शन है, अभी हम करेंगे डायरेक्शन, उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते आप. तो इनकम टैक्स एक्ट में आप अपील कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ AO. नोटिस के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते आप. डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट अभी करेंगे, अगर वो दिए उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, बिकॉज अपील के चैप्टर में पढ़ेंगे आप
अपील कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ. सपोज एओ आपको हैरेस करने के लिए, तंग करने के लिए सब दे रहा है, तो क्या आपके पास कोई रेमेडी है? इनकम टैक्स एक्ट में रेमेडी नहीं है. आपके पास रेमेडी आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल 226 है जो कहता है कि आप किसी के भी एक्शन से एग्रीव्ड है, किसी के भी एक्शन से एग्रीव्ड हर्ट है, और इंडिया के किसी भी लॉ में आपके पास रेमेडी नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यूज कर सकते हैं, दैट इज रिट पिटीशन टू द हाई कोर्ट. आपने सुना होगा 2 साल पहले क्या हुआ था, सीए फाइनल का रिजल्ट आया, 5000 बच्चे पास हो गए. उसके 1 घंटे बाद फिर रिजल्ट आया कि जो पहला रिजल्ट था वो गलत था, अब हम नया रिजल्ट दे रहे हैं जिसमें 2000 बच्चे पास हैं. अब जो स्टूडेंट्स पास हो गए थे फिर फेल हो गए, उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई अपील का तरीका नहीं है. तो उन स्टूडेंट्स ने फाइल की थी रिट पिटीशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट. ऑल्दो हार गए थे, हम स्टूडेंट्स हार गए थे, बट रिट पिटीशन फाइल की गई थी. आपको शायद मालूम नहीं होगा, एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी इंडिया में, खैरनार, मिस्टर खैरनार, ये बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड हुआ करते थे. इन्होंने क्या किया कि चीफ मिनिस्टर के बंगलों में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी उनको डिमोलिश कर दिया. जितने फिल्म स्टार्स थे उन सब की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन डिमोलिश कर दी. लोग पॉलिटिशियंस से नाखुश थे और इनको ट्रांसफर कर दिया गया बॉम्बे म्यूजियम में, जहां कोई आता ही नहीं है. अब कोई इंडिया में लॉ नहीं है कि किसी ईमानदार ऑफिसर की को आप ट्रांसफर कर देते हैं तो कोई अपील का रास्ता नहीं है. तो किसी ने बॉम्बे में रिट पिटीशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इसको वापस स्टेट किया जाए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे वापस स्टेट किया था ऑन द डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन. और इसको यूएस प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में बुलाया था अपने साथ लंच करने के लिए, सीइंग हिज ऑनेस्टी. कहने का मतलब है कि जहां आप किसी नोटिस या डायरेक्शन से ना खुश हैं, एग्रीव्ड हैं, आप अपील नहीं कर सकते. इनकम टैक्स से परमिट नहीं करता, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके पास रेमेडी है, आप रिट पिटीशन टू द हाई कोर्ट फाइल कर सकते हैं. अगर ये भी हार जाते हैं, ये भी हार जाते हैं, तो आप फाइल कर सकते हैं स्पेशल लीव पेटिशन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. माइंड इट, रिट पेटिशन तभी पॉसिबल है अगर लॉ में रेमेडी नहीं है. अगर लॉ में रेमेडी है, वो निकल गई, उसका टाइम खत्म हो गया, देन रिट इज नॉट पॉसिबल. आइएगा पेज 38 पर, जनरल कंसेप्ट. नो, पेज 38, जनरल कंसेप्ट. No appeal can be filed against the direction issued under 142A. अभी करेंगे direction, order direction, or any notice issued by the AO under the Income Tax Act. The assessee has a constitutional remedy in case he wants to challenge the direction under 142A or any other notice of the AO. Assessee can file a writ petition in the High Court challenging the validity of the direction under 142A or any other notice issued by the AO. Thereafter, agar he haar jata SSC, he can file a special leave petition to the Supreme Court of India. Writ petitions and SLP is possible hai only if there is no remedy available in law. Page 36 par aaiye. स्पेशल ऑडिट.
हमने 144 में पढ़ा था कि अगर आप स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, 144 कर देगा। ये स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 142(2)(a) अगर आपका केस असेसमेंट में पेंडिंग है, अगर आपका केस असेसमेंट में पेंडिंग है और एओ देखता है कि आपके केस में गड़बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, दिक्कतें हैं, तो जो एओ है प्रायर अप्रूवल लेकर चीफ सीआईटी से या सीआईटी से प्रायर अप्रूवल लेकर आपको यह डायरेक्शन इशू कर सकता है कि आप स्पेशल ऑडिट कराइए अंडर सेक्शन 142(2)(a)। इस पर काफी लिटिगेशंस हुई, जो आप लॉ देख रहे हैं ये लिटिगेशंस के बाद अमेंड हुआ और अमेंडेड लॉ के सामने लॉ में एक अमेंडमेंट आई कि एओ अगर स्पेशल ऑडिट करवाना चाहता है, ये डायरेक्शन देना चाहता है, सो डायरेक्शन देने से पहले असेसी को शो कॉज नोटिस देगा कि बताइए मैं आपका स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन क्यों ना दूं आपको। सो लॉ में अमेंडमेंट आई कि स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन देने से पहले एओ आपको शो कॉज नोटिस देगा कि बताइए मैं आपका स्पेशल ऑडिट क्यों ना कराऊं, और आपका जवाब सुनने के बाद ही आपको स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है अगर उसे लगता है कि जरूरत है ऑडिट करवाने की। पहले लॉ में लिखा होता था कि एओ स्पेशल ऑडिट तभी करा सकता है अगर आपके अकाउंट्स में कॉम्प्लेक्सिटीज है, एन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व्ड है। सो पहले लॉ में लिखा था कि एओ स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन तभी दे सकता है जब वो प्रूव करेगा कि आपके अकाउंट में कॉम्प्लेक्सिटीज है एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट करवाया जाए। तो उस समय क्या होता था, असेसी को शो कॉज दिया जाता था, असेसी कहता था जी मेरे अकाउंट में कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं, मैं तो सिंपली टैली में अकाउंट्स मेंटेन करता हूं, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं। और फिर भी अगर एओ स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन देता था, असेसी हाई कोर्ट पहुंच जाते थे रिट पिटीशन के थ्रू कि हमें ये डायरेक्शन दे ही नहीं सकते थे आप बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं हमारे अकाउंट्स में। तो जब ये लिटिगेशन आई, इन्होंने स्पेशल ऑडिट का स्कोप बढ़ाया। पेज 36, इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द एओ, यानी असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है आपकी, असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है आपकी, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से एओ की जगह सब जगह आ जाएगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। तो अब ये डायरेक्शंस देगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द एओ, यानी जब असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है, ही इज ऑफ द ओपिनियन That having regard to the nature and complexity of the accounts, पहले से इतना होता था कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता था अगर अकाउंट्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं, इसके बाद इन्होंने ऐड किया वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द अकाउंट्स, स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द सेसी एंड हैविंग रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू।
अब तो देखिए बड़ा वाइड पावर कर दी इन्होंने, असेसी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर अकाउंट्स आपके वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूमिनस मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस इन द अकाउंट्स, आपने दो तीन परचेजेस नहीं दिखाई, दो तीन सेल नहीं दिखाई, ए ओके जी करेक्टनेस डाउट में आ गई। बिजनेस एक्टिविटी स्पेशलाइज नेचर, कह सकते जी आप शेयर ब्रोकर है, इट्स अ स्पेशलाइज एक्टिविटी एंड देखो मुझे ऑडिट करवाना है, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्पेशलाइज एक्टिविटी है एंड देखो मुझे ऑडिट करवाना है, तो अब देखिए असेसी इसको चैलेंज नहीं कर पाता बिकॉज इन्होंने बेसिस बड़ा वाइड कर दिया है। इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द एयू ही इज ऑफ द ओपिनियन एट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट्स, स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एसएससी एंड हैविंग रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इट इज नेसेसरी टू गेट अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ऑडिटेड, देन ही मे डायरेक्ट द एसएससी टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्शन अंडर 142(2)(a). और डायरेक्शन इशू करने से पहले आपको शो कॉज देगा कि बताइए मैं आपको डायरेक्शन क्यों ना इशू कर, प्रोवाइडेड द एओ शैल नॉट डायरेक्ट द एसएससी टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अनलेस द एसएससी हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय गिविंग अ शो कॉज नोटिस कि बताइए हम स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन क्यों ना दें। नोट्स देखिए, डायरेक्शन अंडर 142(2)(a) कैन बी इशूड ओनली व्हेन द केस इज पेंडिंग बिफोर द एओ इन असेसमेंट रीअसेसमेंट, द डायरेक्शन अंडर 142(2)(a) कैन नॉट बी इशूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट। एक हम सेक्शन 147 करेंगे जहां एओ के पास अगर इंफॉर्मेशन है कि इनकम छिपाई है आपने तो केस आपका 147 में खोल देगा। अब देखिए क्या है, क्या ये पॉसिबल है आप बताइए कि मेरी असेसमेंट कंप्लीट हो गई, मेरी असेसमेंट कंप्लीट हो गई, एओ कहता जी मैं स्पेशल ऑडिट करवाऊंगा आपका ये देखने के लिए कहीं आपने इनकम तो नहीं छिपाई, पॉसिबल है या नहीं? नो। अगर उसने केस खोल लिया 147 में उसके बाद स्पेशल ऑडिट करवा सकता है वो, बट ये नहीं कह सकता कि मैं जान मतलब केस बंद पड़ा आपका असेसमेंट में नहीं है कि केस मैं असेसमेंट में लेना चाहता हूं 147 में इसलिए स्पेशल ऑडिट करवाना चाहता हूं। नो, केस अगर पेंडिंग असेसमेंट में तो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। बी देखिए, द डायरेक्शन अंडर 142(2)(a) कैन बी गिवन इफ द असेसमेंट इज रीओपन अंडर 147। केस 147 में रीओपन हो गया है, एओ के पास इंफॉर्मेशन थी कि इनकम एस्केप किया उसके बेसिस पर खोल दिया उसने, उसके बाद वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, लेकिन डायरेक्शन अंडर 142(2)(a) कैन नॉट बी गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 143 फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर द केस शुड बी रीओपन अंडर 147 और नॉट। क्लियर है? सो डायरेक्शन तभी दी जा सकती जब केस पेंडिंग है आपका। अगर केस पेंडिंग नहीं है तो ये जानने के लिए कि आपने इनकम कहीं छिपाई तो नहीं है स्पेशल ऑडिट नहीं करा सकते, स्पेशल ऑडिट तभी करा सकते जब केस प्रोसीडिंग्स में एओ के सामने यानी कि असेसमेंट रीअसेसमेंट में पेंडिंग है। नेक्स्ट, अगर एओ डायरेक्शन इशू कर देता है 142(2)(a) में विदाउट गिविंग द शो कॉज नोटिस टू द एसएससी, क्या होगा? डायरेक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते आप, डायरेक्शन को फाड़ के फेंक नहीं सकते, क्या करेंगे आप? रिट पेटिशन फाइल कर दीजिए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इनवेरिएबली डायरेक्शन अंडर 142(2)(a) को क्वेश्चन कर देगा। इफ द एओ इश्यूज अ डायरेक्शन अंडर सेक्शन 142(2)(a) विदाउट गिविंग अ शो कॉज नोटिस टू द एसएससी देन
a SESI can file a writ petition to the High Court against such direction, and High Court will, shall quash the direction issued under 142-2A. Direction under 142-2A can be issued if the AO is of the opinion that it is necessary to get the accounts audited, having regard to complexities in the accounts or volume of accounts, doubts about the correctness, multiplicity of transactions, specialized nature of activity, and in the interest of revenue. तो अब तो देखिए कुछ भी AO प्रूव कर सकता है आराम से. पहले जब लॉ होता था वहां सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटीज होता था, 2, 3, 4, 5 ये बाद में ऐड किए गए थे. AO shall give a show cause notice to the SESI to show cause why direction under 142-2 should not be issued to him. अगर SESI प्रूव कर देता जी मेरे केस में कुछ भी नहीं है, ना कॉम्प्लेक्सिटीज है, ना वॉल्यूमिनस है, करेक्ट है बिल्कुल, और फिर भी AO डायरेक्शन इशू कर देता है, अगेन यू कैन गेट द डायरेक्शन क्वेश्चन फ्रॉम द हाई कोर्ट थ्रू रिट पिटीशन. इफ द असेसी प्रूव्स दैट नो कॉम्प्लेक्सिटीज एटसेट्रा आर इन्वॉल्व इन द अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज नॉट अफेक्टेड एडवर्सली, then AO cannot issue direction under 142-2A. If AO still issues a direction under 142-2 in this case, then a SESI can approach a High Court through writ petition, and High Court shall quash the direction under 142-2A. This direction can be issued with the previous approval of Chief Commissioner or Commissioner. जो audit करेगा वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा. जैसे आप देखते हैं ना सीएजी में एम्पैनलमेंट होती है सीए फॉर्म्स की, ऐसे ही डिपार्टमेंट भी स्पेशल ऑडिट के लिए सीए फॉर्म्स को एम्पैनल करता है. सो ये लिस्ट एम्पैनलमेंट चीफ सीआईटी सीआईटी करते हैं, और जो मुझे मालूम है जिन फॉर्म्स में कम से कम 4 पार्टनर्स हैं, 2 एफसीए हैं, टर्नओवर 3 करोड़ से ऊपर है पिछले 3 साल में और इतने प्रॉफिट है, वो ही एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है. सो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी उसे नॉमिनेट करता है चीफ कमिश्नर कमिश्नर. असेसी से नहीं पूछा जाता कौन से सीए से करवाएंगे आप, वो तो अपने सीए से करवाने की कोशिश करेगा असेसी. तो द अकाउंट्स पॉइंट 3 shall be audited by a chartered accountant firm nominated by the chief commissioner commissioner. और पहले यहां पर audit fees assessee bear करता था. सहारा इंडिया के केस में यह audit order हुआ, सहारा इंडिया writ petition के through high court में पहुंच गई. उसने कहा हम fees क्यों दें, यह तो government audit करवा रही है, government ही fees देगी. और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया में कहा यस, अगर स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट करवा रही है तो गवर्नमेंट फीस देगी, असेसी फीस नहीं देगा. और फिर लॉ चेंज किया गया. ऑडिट फीस एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑडिट इसको फिक्स करेगा चीफ कमिश्नर कमिश्नर. अमेंडमेंट आई. सो पहले ये ऑडिट फीस असेसी बियर करता था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस असेसी बियर करता था. अमेंडमेंट आई कि गवर्नमेंट को ही बियर करने पड़ेगी. प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी डायरेक्शन फॉर ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2A इज इश्यूड बाय द AO, द एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल टू सच ऑडिट इंक्लूडिंग द रेमुनरेशन ऑफ द अकाउंटेंट मींस ऑडिट फीस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द चीफ कमिश्नर कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद सच गाइडलाइंस एंड बी प्रिस्क्राइब्ड, and the expenses so determined shall be paid by the central government. अगर आपके accounts already audit हो चुके हैं companies act में या tax audit या किसी भी act में, तो क्या तब भी ये direction दे सकते हैं? Yes.
the direction under 142A can be given even if the accounts of the assessee have been audited under the Income Tax Act or any other law. अब देखिए, EO direction देता है DLF को कि audit करवाइए, और मान लीजिए KPMG को ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है. अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो स्पेशल ऑडिट की है, केपीएमजी किसको देगा? ईओ को देगा या डीएलएफ को देगा या दोनों को देगा? लॉ कहता है केपीएमजी ऑडिटर इसको डीएलएफ को देगा और डीएलएफ देगी ईओ को. सो लॉ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबमिटिंग द रिपोर्ट इज ऑन द असेसी, यानी असेसी जो है वो रिपोर्ट लेकर ईओ को सबमिट करेगा. बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि केपीएमजी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट इसको भी भेजता है ताकि असेसी कहीं रिपोर्ट चेंज ना कर ले, कोई अनेक्सस गायब ना कर दे, अनेक्सस चेंज ना कर दे. सो प्रैक्टिकली ऑडिटर रिपोर्ट डीएलएफ को देता है, डीएलएफ इन टर्न ईओ को देती है. बट प्रैक्टिकली, और लॉ में लिखा नहीं है, प्रैक्टिकली ऑडिटर रिपोर्ट ईओ को भी देता है. सो लॉ में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबमिटिंग द ऑडिट रिपोर्ट इज ऑन द असेसी, नॉट ऑन द सीए फर्म. ये ऑडिट रिपोर्ट असेसी सबमिट करेगा विद इन द टाइम गिवन इन द डायरेक्शन. नॉर्मली 3 महीने का टाइम देते हैं, नॉर्मली 3 महीने का टाइम देते हैं ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए. हम देखेंगे बाद में जाकर, जो हमने किया था ना असेसमेंट का टाइम लिमिट 9 महीने है, वो सब बढ़ा दिए जाएंगे कुछ केसेस में, करेंगे उसे, करेंगे. हाँ, सो नॉर्मली एओ देगा 3 महीने टू सबमिट द रिपोर्ट. असेसी एक्सटेंशन भी मांग सकता है, असेसी सीए फॉर्म एक्सटेंशन नहीं मांग सकती, असेसी मांग सकता है. लॉ कहेगा असेसी एक्सटेंशन मांग सकता है, लेकिन लॉ कहेगा जो आपको एक्सटेंशन दी जाएगी, जो आपको इनिशियल पीरियड था प्लस जो एक्सटेंशन हैं, वो 180 डेज से ज्यादा नहीं होंगी. यानी टोटल पीरियड जो दिया जाएगा आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 180 दिन क्या दिया जाएगा. अब यहां क्या हुआ, देखिए सीए फर्म ऑडिट करने को तैयार है बट असेसी ऑडिट नहीं करवाना चाहता, उसे मालूम है गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी, इसलिए वो सीए फर्म को तंग करना शुरू कर देता है, अकाउंट्स प्रॉपर नहीं देता उन्हें, अकाउंट्स एक्सेस नहीं देता, यानी तंग करना शुरू कर देता है. अब सीए फर्म 3 महीने के अंदर ऑडिट नहीं कर पा रही, अब असेसी कहता है मैं जी एक्सटेंशन क्यों लूं, मैं एक्सटेंशन क्यों लूं. एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स ने कहा कि यहां प्रैक्टिकली सीए फर्म ईओ को बताइए इस तरह हो रहा है, तो लॉ में लिख दिया गया कि इस केस में ईओ जो है सो मोटो भी टाइम एक्सटेंड कर सकता है फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट. ये तब होता है जब असेसी सीए फर्म को तंग कर रहा है और सीए फर्म ईओ को बताती है इस तरह हो रहा है कि हमें रिपोर्ट नहीं देने दे रहे, टाइम निकाल दिया इन लोगों ने, उस केस में ईओ सो मोटो टाइम बढ़ा देता है. और अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, आप भी देखेंगे पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन भी आपकी. पॉइंट 5 देखिएगा, द असेसी इज टू फर्निश द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द ईओ विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन. सो ड्यूटी असेसी के रिपोर्ट सबमिट करने की. अब आप कह रहे हैं कि अगर सीए रिपोर्ट नहीं दे रहा तो क्या होगा, अभी देखते हैं. अगर सीए रिपोर्ट नहीं दे रहा तो क्या होगा, अभी देखते हैं. असेसी इज टू फर्निश द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द ईओ विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन. नॉर्मली 3 महीने देते हैं आपको डायरेक्शन में टू सबमिट द रिपोर्ट. आगे लिखा है कि असेसी चाहे तो एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन
जितना टाइम ओरिजिनल दिया गया था और जो एक्सटेंशंस मिली हैं, दैट विल नॉट एक्सीड 180 डेज फ्रॉम द डेट द डायरेक्शन इज रिसीव बाय द असेसी। तो मैंने आपको बताया क्या हुआ कि असेसी ऑडिट नहीं करवाना चाहता, उसे मालूम है गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी, सीए फॉर्म को तंग करना शुरू कर देता है, उसके 3 महीने निकाल देता है और असेसी कहता है मैं एक्सटेंशन नहीं लेता। इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि हम पावर देते हैं एओ को कि इस केस में एओ सो मोटो अपने आप टाइम एक्सटेंड कर सकता है, नेक्स्ट पैरा देखिएगा प्रोवाइडेड। That the EO so moto the on his own motion, the amendment thi, or on an application made in this behalf by the assessee, and for good and sufficient reasons extend the said period by further periods as it thinks fit, so however that the aggregate of time periods originally fixed, and the time period so extended, shall not exceed 180 days. Kab se? From the date the direction is received by the assessee. मैंने नोट में अमेंडमेंट समझाई सो मोटो वर्ड अर्लियर। द पीरियड ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट ओरिजिनली फिक्स्ड कुड बी एक्सटेंडेड ओनली ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी। द टाइम फॉर ऑडिट कुड नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर्स। अभी भी नहीं कर सकते रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर्स, ये तो ऑडिटर्स बताएंगे एओ को जी हमें तंग कर रहे हैं। Now, after the amendment, the AO may extend the time so moto for furnishing the audit report. देखिए अगर assessee audit नहीं करने देता, audit report submit नहीं होगी, तो assessee पर अब 144 कर दिया जाएगा। अगर CA की गलती थी तो 144 करने से पहले आपको show cause दिया जाएगा, उस शो कॉज में प्रूव कर दीजिए कि सीए की गलती थी, हमने तो सीए को 10 बार बुलाया वो आया नहीं, तो हमारी क्या गलती, तो तभी आपको शो कॉज दिया जाता है। एक मिनट देखिएगा पेज 39 पर देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अ नोटिस इशूड अंडर 140-11, यू नो व्हाट इज दैट, 140-12, you know what is that? 143-2 scrutiny notice or direction under 142A, सबके सेम consequences हैं। It may result in a best judgment assessment under 144 and oblique or penalty at 10,000 for each such failure. तो आप देखिए हम penalties धीरे धीरे करते जा रहे हैं सारी, और prosecution है imprisonment with fine. बिफोर मेकिंग अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बिफोर लेविंग पेनल्टी और लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, असेसी को एक शो कॉज दिया जाएगा। इफ द असेसी प्रूव्स दैट देयर वाज अ रीजनेबल कॉज फॉर द फेलियर, एग्जाम्पल नेग्लिजेंस ऑफ सी इन सबमिटिंग द रिपोर्ट अंडर 142A, डेथ इन द फैमिली, सम अदर मेजर इलनेस एटसेट्रा, ईओ फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करेगा, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी ड्रॉप कर देगा। वापिस आइए, हुआ क्या, असेसी का ऑडिट करने गया सीए, असेसी के सारे अकाउंट्स क्लीन थे, बिल्कुल क्लीन क्लियर, टर्नओवर था 5,000 करोड़, प्रॉफिट थे 500 करोड़, और सीए की फीस थी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की थी 5,00,000। असेसी कहता है यार, सॉरी सीए कहता है यार इतने बड़े असेसी हो तो मुझे आप 5 करोड़ रुपए दे दीजिए एज माई फीस, असेसी से बोलता है। असेसी कहता है मैं क्यों दूं, आपको डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया, डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट फीस देगी, तो एक तरह से सीए ब्राइब मांगता है। असेसी कहता मैं नहीं देता, सीए कहता ठीक है मैं तेरी रिपोर्ट खराब करता हूं, और असेसी मान लीजिए स्टॉक ब्रोकर है, इसे क्लाइंट से मार्जिन मनी आए हैं लेट्स से 1,000 करोड़ रुपए के, मार्जिन मनी होते ना कि क्लाइंट से मार्जिन मनी लेते हैं टू फॉर द सेफ्टी,
सिंस असेसी सीए को ब्राइब देने से मना कर देता है, सीए अपनी रिपोर्ट में लिख देता है ये 1000 करोड़ मार्जिन मनी असेसी की इनकम है। अब बताइए क्या ईओ को रिपोर्ट पर एक्ट कर जाना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहेगा कि अगर पढ़िए, ब्रैकेट छोड़ के पढ़िएगा, ब्रैकेट छोड़ के पढ़िएगा कि अगर एओ ऑडिट रिपोर्ट का कोई मटेरियल, जैसे कि सीए ने लिखा कि 1000 करोड़ मार्जिन मनी नहीं इनकम है, अगर एओ रिपोर्ट का कुछ मटेरियल असेसी के अगेंस्ट यूज करना चाहता है तो असेसी को सुनने का मौका देगा पहले कि बताइए मैं ऐसा क्यों ना करूं, और इस केस में असेसी समझा देगा कि देखिए ये तो मार्जिन मनी है, सेबी की रिक्वायरमेंट है, एनएससी की रिक्वायरमेंट है, एनएससी सेबी ने मेरा इंस्पेक्शन करके चेक किया वो मार्जिन मनी है, और ईओ फिर एडिशन नहीं करेगा। द असेसी शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, इन केस एनी मेटीरियल गैदर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट अंडर 142A इज प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। ऑडिट रिपोर्ट का कोई भी मटेरियल असेसी के अगेंस्ट यूज करने से पहले ईओ असेसी को सुनने का मौका देगा, और असेसी अगर एक्सप्लेन कर देता है कि रिपोर्ट गलत है, एडिशंस नहीं किए जाएंगे, अब आप विद ब्रैकेट पढ़ लीजिए। असेसमेंट अगर 144 में हो रही है तो सुनने का मौका नहीं देंगे। देखिए 144 का शोकॉस देंगे आपको, बट क्या चीज शोकॉस नहीं देंगे कि हम ये एडिशन क्यों ना करें रिपोर्ट के बेसिस पर, ये मौका नहीं देंगे। मैंने आगे समझाया इसे। तो देखिए अगर असेसमेंट 144 में हो रही है तो 144 करने का शोकॉस तो दिया जाएगा आपको कि हम 144 क्यों ना करें, बट अगर ये 144 डिसाइड कर लेता करने के लिए तो ऑडिट रिपोर्ट में से कोई भी मेटल आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए सुनने का मौका नहीं देंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 असेसी फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1) और उसका केस स्क्रूटनी में आ गया 143। उसे 143(2) का नोटिस दे दिया गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ईओ डायरेक्टेड द असेसी टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर 142(2A). द रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट इज रिसीव बाय द ईओ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, रिपोर्ट भी टाइम पर आ गई। ईओ रिक्वायर्स फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द असेसी थ्रू अ नोटिस अंडर 143(2). असेसी इज नॉट एबल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द नोटिस विद इन द टाइम गिवन इन द नोटिस। सो 143(2) का कंप्लायंस नहीं हुआ। अब देखिए ईओ 144 करेगा वन, अब यहां शोकॉज देखिए, एक तो शोकॉज दिया होगा उसने कि मैं आपका स्पेशल ऑडिट क्यों ना करवाऊं, उस समय शोकॉज दिया होगा। अब दूसरा शोकॉज देगा कि मैं 144 क्यों ना करूं। अगर शोकॉज का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो 144 ड्रॉप कर देगा, 143(3) करेगा, और 143(3) करते वक्त ऑडिट रिपोर्ट में से कोई मेटल आपके अगेंस्ट यूज करना चाहता है, आपको शोकॉज देगा कि मैं मेटेरियल आपके अगेंस्ट क्यों ना यूज करूं। तीन शोकॉज हो गए। और अगर 144 का शोकॉज दिया आपको, उसका रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्टरी है, अब ईओ 144 करेगा, और 144 करते वक्त ऑडिट रिपोर्ट में से मेटल यूज कर लेगा, वहां आपको सुनने का मौका नहीं देगा। देखिए The EO issues a notice to the assessee under section 144 as to show cause why best judgment assessment should not be made on him for non-compliance with notice under 143(2). Assessee reply kar deta show cause notice under 144 and EO considers that reply is satisfactory. Is case mein teen show cause honge. Ek show cause jab 142 ek direction di gayi thi, dusra show cause 144 kyon na kare, तीसरा 143(3) करते वक्त अगर ऑडिट रिपोर्ट में से कुछ यूज करना चाहेगा
तो उसके लिए शो कॉज देगा। टू, असेसी डज नॉट रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस अंडर 144 और रिप्लाई गिवन इज अनसेटिस्फैक्ट्री। यहां पर ईओ 144 करेगा और 144 करते वक्त ऑडिट रिपोर्ट में से मेटल यूज कर लेगा और वहां आपको सुनने का मौका नहीं देगा। केस वन, सो केस वन में तीन शो कॉज हैं। एक शो कॉज कि स्पेशल ऑडिट क्यों ना करवाएं, दूसरा शो कॉज 144 क्यों ना करें, तीसरा शो कॉज हम ऑडिट रिपोर्ट का मेटल क्यों ना यूज करें। सिंस द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस ऑन 144 इज सेटिस्फैक्ट्री, ईओ शैल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स ऑन 144 एंड विल कंप्लीट द असेसमेंट अंडर 143। इफ द ईओ वॉन्ट्स टू यूज एनी मेटल गैदर्ड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ सीए अंडर 142A, देन असेसी शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू शो कॉज वाई ऑडिट मेटल इन द रिपोर्ट शुड नॉट बी यूज अगेंस्ट हिम। तो इस केस में तीन शो कॉज है। केस टू, सिंस द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस अंडर 144 इज नॉट गिवन और इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, द ईओ शैल प्रोसीड टू मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर 144। और यहां पर आपको शो कॉज नहीं देगा कि मैं ऑडिट रिपोर्ट का मेटीरियल आपके अगेंस्ट क्यों ना यूज कर। द ईओ मे यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर 144 एनी मेटीरियल गैदर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अंडर 142A। इन दिस केस द असेसी शैल नॉट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड एज टू शो कॉज व्हाई मेटीरियल इन ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी यूज अगेंस्ट हिम। यहां दो शो कॉज होंगे, एक डायरेक्शन क्यों ना दें, 144 क्यों ना करें। क्लियर है? चलिए आज यही रुकते हैं, आज यही रुकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम DRP स्टार्ट करेंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल।